अच्छा तो भाइयों, कल की क्लास में हमने लिंक्स पढ़े थे, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिंक को अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया अपने पास और कुछ ना कुछ बना चुके हैं अभी तक? है कोई ऐसा? आपने बना लिया? गुड यार, ज़रा भेजेंगे आप प्लीज़? जिसने भी बना लिया है वो प्लीज़ अपना air.sysborg पे लगाए लिंक। अच्छा भाई, मेराज कौन है आप? हैं दोस्त, आपने कोई इमेजेस वगैरह नहीं लगाई प्रोडक्ट की स्क्रीन पे या होम की स्क्रीन पे? कोई इमेजेस वगैरह, कुछ टेक्स्ट वगैरह लगा देते ना, ताकि वेबसाइट वाली फील आती। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा प्लीज़। यार मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये लोग जो सेकंड अभी वाली क्लास जो चल रही है ना, ये लोग जब आते हैं ना, तो ये इनको बाहर रोक लिया करो ना थोड़ी देर, क्योंकि चलती हुई क्लास में अंदर आते हैं ना तो क्लास डिस्टर्ब होती है। अब ये कह रहे थे कि वो हमें तो बाहर मना कर, वो क्योंकि वो लास्ट पाइथन क्लास में सुन रहा था ओडी हमारा फ्री हो जाएगा, फिर मसला नहीं। अच्छा, वहाँ आज आखिरी थी ना? अच्छा, वहाँ उस भाई क्लास में एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी, इसलिए आपको इन्होंने वहाँ जाने नहीं दिया, और आज वो आखिरी क्लास थी, तो अगली क्लास से आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, कब खत्म हो? हाँ, मैंने उनको जवाब दे दिया, ये जो अभी मंडे स्टार्ट होगा ना, ये तीन क्लासेस आखिरी हैं। अच्छा, और ये वाली टाइमिंग बताइए, रमज़ान में क्या होगा? रमज़ानों में मैंने खुद ही उनसे कहा था कि सहरी के बाद जो भी पहली टाइमिंग है वो मैंने भी मशवरा दिया मुझे कि भाई उनसे पूछना करें बच्चों आ जाए सहरी के बाद पहली टाइमिंग, बल्कि अच्छा हुआ ना अभी ये बात हो जाती है। अच्छा भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, रजा भाई ने अभी मुझे याद दिला दी, रमज़ानों में आपकी जो ये क्लास है इसकी टाइमिंग सुबह के वक्त की होगी। ठीक है, सहरी के बाद जो भी पहली टाइमिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह उठोगे सहरी करके सीधा यहाँ आ जाना, दो घंटे की क्लास लेके, क्योंकि जाहिर है जॉब्स, जो लोग जॉब्स भी कर रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि यार सहरी करके डायरेक्ट चले जाते हैं। सहरी कितने बजे वैसे पहले? सहरी कितने बजे? 5:30 पे है ना? 5:30 पे या 5 पे? सहरी टाइमिंग जो है 5:05 पे आ रही है अभी। ठीक है, रमज़ान 2022 का ही खुल गया ऑटोमेटिक, तो 5:05 पे सहरी बंद होगी। नमाज में शायद आधा घंटा लगता है, तो आप जब घर से निकलेंगे ना नमाज़ पढ़ने के लिए सहरी करके, तो आप रेडी होके निकलेंगे, नमाज़ पढ़नी है आपने, और नमाज़ पढ़ के मस्जिद से सीधा आपने यहाँ आ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5:45 पे भी निकलते हैं, आधे घंटे का रास्ता मैं काउंट कर लेता हूँ, 5:45 पे अगर घर से निकलते हैं, आधे घंटे का रास्ता काउंट करते हैं, तो कितने हो गए? 6:15 हो गए। ठीक है, हम 15 मिनट और कर लेते हैं, 6:30 कर लेते हैं, सही है, 6:30 तक तो यहाँ ईजिली पहुँच जाओगे। कितना टाइम होता है ऑफिस जाने का? 9 बजे जाना होता है ना, तो 6:30 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 7:30 8 आधा घंटा आपको ऑफिस जाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो 6:30 डन हो गया फिर। हाँ, 7 बजे कहाँ जाना होता है? 7 बजे से पहले नहीं आ सकते तुम? क्यों भाई, ऐसा क्या करते हो? अबे क्या हो गया रात को? 12 बजे करेंगे क्या? देखो तरावियाँ कितने बजे तक ख़त्म होती हैं? देखो असल में रात को मेरे भी जहन में ये, मैं सारे थिंक थ्रू कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सुबह की टाइमिंग डिसाइड की है। देखो प्रॉब्लम असल ये है कि रमज़ान में ना रातें इबादत की होती हैं, चलो शुरू के 2 अशरे की तो खैर है, लेकिन आखिरी अशरे में फिर रात को लोग चाहते हैं कि हम इबादत करें, फिर कुछ लोग इत्तकाफ में भी बैठेंगे अगर, तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है लास्ट के 3-4 दिन तो शायद हम छुट्टी दे दें। ठीक है, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि हम छुट्टी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ईद की वैसे ही 3-4 छुट्टियां होने वाली हैं, फिर रमज़ान में भी अगर हम आखिरी अशरे में लोग छुट्टियां करेंगे रात की वजह से, कि यार रात को तो इबादतें होती हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। राइट,
तो इस वजह से। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि तरावी अभी 8:30 बजे जमात होती है ना ईशा की, तो आप 8:30 से आधे घंटे बाद तरावी शुरू होती है, तो 9 बजे स्टार्ट हुई है। अब 9 बजे के बाद तरावी एटलीस्ट 2 घंटे की होती है इन जनरल, तो 9 से कितने हो गए 10, 11। अब 11 बजे घर से निकलोगे, 12 बजे यहाँ आओगे, तो 12 से 2 करोगे क्या? फिर तरावी पढ़ के बंदा थक जाता है, थकन होती है, और रात का टाइम जो है ना लेज़ी हुआ हुआ होता है थोड़ा रमज़ानों में, ठीक है, मेरे साथ तो ये बहुत होता है, तो रात का टाइम काफ़ी लेज़ी हो जाता है, क्योंकि आपने इफ्तार किया हुआ होता है, एकदम खाना खाया हुआ होता है, फिर आप एकदम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि आप उस तरह से मूव नहीं कर पाते। फिर जाहिर सी बात है अगर 12 बजे यहाँ पर आते हो और 2 बजे यहाँ से निकलते हो, तो रात का टाइम है, घर जाना भी इशू होगा, ज़्यादातर लोग बसों पर आते हैं, तो 12 बजे तो बसें नहीं मिलती, 2 बजे कहाँ से मिलेंगी। तो अब हम अगर पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे कौन सी टाइमिंग बची है हमारे पास? अफ्तार से पहले की, क्योंकि अफ्तार के बाद तो फौरन मगरिब की नमाज़ फौरन फिर ईशा हो जाती है, टाइम यूँ गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो अफ्तार से पहले, अफ्तार से पहले आने में क्या प्रॉब्लम है वो भी समझा देता हूँ। अफ्तार से हमें एटलीस्ट 1 घंटे पहले ही क्लास ख़त्म करनी होगी, अफ्तार से एटलीस्ट 1 घंटे पहले, जब ये 6:49 में बता रहा है, तो हम इसको 6:15 लगाते हैं, क्योंकि ये अफ्तार की टाइमिंग ना फिर कम होगी या बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, तो हम 6:30 लगाते हैं, सॉरी 1 घंटा पहले ना, तो 5:30 लगाएंगे, 5:30 बजे हमें क्लास ख़त्म करनी है, तो आना कितने बजे पड़ेगा? 2 घंटे लगा लो, 3:30 से 4:30, 5:30, तो 3:30 बजे आने को तो आ जाओगे, लेकिन रोज़ा लग रहा होता है, लेकिन वापस जाते हुए ट्रैफिक बहुत मिलेगा, ठीक है, जो क्योंकि अफ्तार के करीब करीब टाइम में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो वापस जाते हुए ट्रैफिक बहुत मिलेगा। नहीं जॉब तो ज़्यादातर यार 2 बजे 3 बजे ख़त्म हो जाती है, 5 बजे होती है। अच्छा तो सुबह का टाइम मुझे कुल मिला के, दोपहर में धूप बहुत होती है यार, दोपहर में आना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, तो मुझे कुल मिला के सुबह का ही टाइम समझ में आ रहा है। अच्छा जिन लोगों की टाइमिंग ऑलरेडी चल रही है 3 से 4, 4 से 5 चल रही है, वो तो उसी पे रहेंगे, उनको मसला नहीं है, वो उनका मसला है कि वो देखें क्या। हमारी टाइमिंग ऐसी है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तरावी हो रही होती है, अभी ईशा की नमाज़ हुई है, ये तरावियों का टाइम है जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, तो हम जो है सुबह के वक्त जितना अर्ली हो सकेगा, और हमने क्या डिसाइड किया टाइम 6:30 से 7:30, 8:30, ठीक है, तो 6:30 से 8:30 रजा भाई ये नोट कर लें आप, बल्कि मैं भी जो है ना ये 6:30 से 8:30 भाई मैंने क्लास में ना ये डिस्कस किया अभी टाइमिंग के हवाले से ना रमज़ानों में, तो 6:30 से 8:30 आने में ना सुबह के वक्त 6:30 से 8:30 2 घंटे के लिए सारी क्लास वाले ने उस पर राजी है, क्योंकि 8:30 पे ख़त्म करेंगे तो लोगों को ना 9 बजे जॉब्स वगैरह पे जाना है ऐसा बता रहे हैं लोग, और 6:30 बजे इसलिए कर रहे हैं कि 5:30 बजे हमारा रोज़ा बंद हो रहा है, तो आधा घंटा सहरी का और फिर आधा घंटा खाने का इस तरह करके करके 1 मिनट 5:30 बजे नहीं बंद हो रहा, 5:05 पे जो है ना सुबह की सहरी बंद हो रही है, तो 5:30 हम 1.5 घंटा गैप दे रहे हैं, मतलब 5:05 पे सहरी बंद होगी, आधा घंटा वो नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद 1 घंटा वो ट्रैवल का हमने लगाया उसको, तो इस तरह करके हमने टाइम डिसाइड किया। चलिए प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस टाइमिंग पर पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे भी ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा सूट कर रही है ना, उसका रीज़न ये है कि मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा यहाँ से, और मैं भी ऑफ़िस निकल जाऊँगा फिर, और ऑफ़िस से फिर मैं भी शायद 3:30 बजे तक शायद ऑफ करके घर निकल जाऊँ, सबसे बेस्ट रहेगा ये मेरे लिए भी। यार देखो 2 घंटे की क्लास होती है ना, तो 1 घंटा असल पढ़ाई होती है, ये आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और हमारा असल मकसद है 2 घंटे रखने का, ये असल में अभी से नहीं हो रहा है, इस पर थिंक थ्रो पिछले 5 सालों से 6 सालों से हो रहा है, 2015 में मैंने ज्वाइन किया था जब यहाँ पर, तो उस वक्त से हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं, हर साल हर 6 महीने बाद गौर करते हैं। तो 2 घंटे रखने का मेन जो मकसद है हमारा वो ये है कि 1 घंटा पढ़ाई हो और 1 घंटा हम प्रैक्टिस करवा सकें बच्चों को,
क्योंकि घर जाके ना प्रैक्टिस नहीं करते लोग, घर से भी टास्क देते हैं, मैं देता हूँ आप लोगों को, लेकिन हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि एक घंटा आपको कुछ ना कुछ टास्क दें, आप यहाँ पे करें। तो मेन मकसद ये है कि एक घंटा पढ़ाई, एक घंटा प्रैक्टिस, कभी कभी मैं दो घंटे भी पढ़ा देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या टॉपिक चढ़ा हुआ है इस वक्त। अच्छा, कुर्सी को मैं बार बार ऊपर करता हूँ फिर नीचे चली जाती है, रिटायर हो गई कुर्सी। नहीं, मगर इस कुर्सी पे मेरे से बहुत मोटे मोटे बंदे बैठते हैं। देखो, जब कुर्सी बना है तो फिर, जब बंदा कुर्सी बन जाता है ना, तो फिर उसको ये नहीं देखना होता कि बंदा भारी बैठ रहा है या हल्का बैठ रहा है, कुर्सी तो कुर्सी है भाई। तो कुर्सी को उन्होंने बनाया 200 किलो के बंदे के हिसाब से। अच्छा, ये कौन है भाई? अहमद रजा, गुड़िया, अच्छा बनाया तुमने। अच्छा, माई सीवी, अच्छा गिटहब, गुड़िया, यूट्यूब का चैनल तुमने गलत लिंक लगा दिया। लॉगिन होगा तो फिर चलेगा? नहीं यार, पब्लिक होता है ना यूट्यूब का चैनल, तो नहीं पब्लिक होता है, देख लेना लिंक, कुछ मिस्टेक हो गई है लिंक लगाने में। अच्छा, ये इंस्टाग्राम भी खुल गया हमारा, गुड यार, फेसबुक भी खुल गया, सही है भाई। अच्छा भाई, एग्जॉटिक 41, ये एरर ये है कि आपने पेज का लिंक गलत लगाया था, index.html के नाम से नहीं होगी फाइल आपकी, या .slash नहीं लगाया होगा आपने सही तरह से। अरे क्या बात है, इसमें लेकिन लिंक का क्या काम है, लिंक तो नहीं है इसमें यूज हो रहा, ये तो पिक्चर को आपने वो किया हुआ, स्वैप किया हुआ। जनाब भाई कह रहे हैं रमजान में टाइमिंग दो घंटे की नहीं होती, डेढ़ घंटे की होती है, आप 6:30 से 8 करते हैं या तो 7 से 8:30 करते हैं, डेढ़ घंटे से ज़्यादा की नहीं होती, 7 से 8:30 करते हैं। हाँ ये सही है, 7 से 8:30, 7 से 8:30, लेकिन बच्चों को 6:30 ही बताइए, बच्चों को 2:30 घंटे के ही बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लेट खुद ही आते हैं बच्चे। अच्छा, हम जैसे बताएंगे ना 6:30 का, तो बच्चे हम देखेंगे कि 6:30 बजे अगर सारे आ जाते हैं ना, तो 6:30 से हम फिर आर्ट कर देंगे, अगर लेट आते हैं तो फिर हम उनको 7 से शुरू करा देंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वीडियो लगाई है इन्होंने, कौन है भाई? तुमने लगाई, सही है यार, गुड, अच्छा किया। वीडियो लगाना तो आ गया ना कम से कम इसको, वीडियो क्या लगाई है अभी वो मैटर नहीं करता, वीडियो लगाना आ गई है तुम्हारी। अच्छा, तो ये वीडियो तो चल रही है, सही है यार। अच्छा, नेक्स्ट पे और भी आएगी वीडियो, गुड यार। फिफ्थ,
प्रीवियस पे करूंगा तो वापस वही फोर्थ, और प्रीवियस करूंगा तो और पीछे। अच्छा पांच टोटल, पांच वीडियोस हैं, छह वीडियोस हैं। गुड यार, कैसे ना करूं ये शायरी तेरी नजर में तेरी आंखों में देख। अच्छा और ये 1 2 3 4 5 6 पे मैं किसी भी क्लिक करूंगा उस पर चला जाएगा। वाह यार बहुत जबरदस्त कर दिया ये तो तुमने, क्लैपिंग हो जाए भाई इसके लिए। अच्छा सैयद खालिद कौन है ये? आप हैं, गुड यार जबरदस्त। आपने हर सूबे का एक पेज बनाया है, उस पर कुछ लिखा है पेज के बारे में, सूबे के बारे में। अच्छा जी, शहजाद माई ब्लॉग माई सर्विस, ये तो तुमने उसी दिन बना लिया था आई थिंक। तो घर जाके क्या किया तुमने? बटन का डिज़ाइन लगाया। सही है यार, बनाया तो सही है तुमने। अभी CSS तो हमने नहीं सीखी, तुमने कलर वगैरह कैसे लगाया? अच्छा CSS थोड़ी सी खुद से तुमने सीख ली है। वाह यार ये भी सही है। अच्छा मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है किताब में इस तरह की वीडियो लगाने का तो कहीं पे नहीं बताया हुआ उन्होंने, बताया मैं पेज 1 2 3 4 करके, पेज नंबर 1 2 3 ऐसे करके बताया मैं? ऐसे तो नहीं बताया, वीडियो सिर्फ प्लेस करना बताया है। ये जो पेज 1 2 3 किया ये आपने खुद से सोच के किया है यार, बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। ये तो जो पेजिनेशन असल में इसको कहते हैं, जब हम जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम पेजिनेशन कहते हैं कि जब स्क्रॉल करते जाते हैं वो नीचे खुद से कंटेंट आता जाता है, या तो फिर क्या होता है नीचे नंबर्स दिखा देता है कि भाई नेक्स्ट, जैसे गूगल सर्च हम करते हैं कभी तो गूगल पे, जैसे मैंने गूगल पे मैंने ये लिखा कुछ टेक्स्ट, तो अब मैं लास्ट में जब जाऊँगा तो ये मुझे पेजेस बता देता है कि भाई डायरेक्ट 3 पे चले जाओ या 4, मैं 4 पे क्लिक करके चला जाता हूँ। तो इस चीज़ को हम पेजिनेशन कहते हैं। तो ये इन्होंने बना ली है, खुद से सोच के बनाई है। अच्छा आप दोनों साथ में काम करते हैं बैठ के? अच्छा तो इन्होंने खुद अकेले ने बनाई है, दोनों ने बनाया मिलकर? अच्छा आप नहीं थे इनके साथ। वेल डन यार, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा पसंद आया। नाम क्या है दोस्त आपका? शारिफ। हाँ फेसबुक और इंस्टा, हाँ लिंक तो सही लगा हुआ है, खुल गया है, खुल गया इंस्टा भी। सिगरेट पीते हो? अच्छा बोल भी रहो कभी कभार, ये तो सही है यार, इंस्टा तो सही बनाया हुआ तुमने, कोलाज बनाया हुआ पूरा। फॉलोअर कितने हैं? पूरे है भाई, इतने फेमस चल रहे हो? नहीं भाई नहीं, बाकी में इतने फॉलोअर चल रहे हैं तुम्हारे। अच्छा ये कैसे होती है? अच्छा ये परचेज भी कर सकते हैं फॉलोइंग, खुद बेचते हो तुम? मिसाल के तौर पर मुझे अगर फॉलोअर खरीदने हो यूट्यूब के, नहीं इंस्टा के, अगर इंस्टा की लगाया हो, क्या कह रहे हो? उनसे जाता है। अच्छा तो मैं यूज़र नेम तुम्हें दे दूंगा तो फॉलोअर मिल जाएंगे मुझे? और कैसे मिलेंगे, मतलब कितने पैसों में कितने फॉलोअर देते हो तुम?
अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसों में कितने फॉलोअर बिक रहे हैं अभी। अच्छा मतलब तुम खुद नहीं करते कुछ, किसी वेबसाइट से तुम परचेज करके सामने से? अच्छा नहीं तो तुम मतलब अपना ही किया है या एज अ सर्विस भी दे रहे हो लोगों को ये? अच्छा दोस्तों के एक दो के किया है तुमने, चलो अच्छी बात है यार कुछ कर रहे हो। ये भाई पहले से फ्रीलांसर है, ठीक है आप सब लोगों की इतला के लिए अर्ज है, ये पहले से फ्रीलांसर है, ये छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं फ्रीलांस पर, ठीक है वो थोड़े ट्रिकी से जॉब्स हैं, कोई डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब नहीं, और ट्रिकी जॉब्स हैं तो वो ये पहले से कर रहे हैं। और तुम कहाँ पे रहते हो भाई? औरंगी टाउन में। मैं भी रहता हूँ। अच्छा कहाँ रहते हो औरंगी टाउन में? वहीं मैं भी वहीं रहता हूँ। 11:30 में कहाँ? खलील मार्केट के पास रहते हो। हमारे एक टीचर हैं वीकेंड के हिसाब हो जानी, उनका घर बिल वहीं पर है, खलील मार्केट के पास है, और मेरा घर रईस अमरोही के पास है। तुम्हारा घर कहाँ? अच्छा भाई हो तुम लोग दोनों, सही है यार। तो दोनों भाई आ रहे हैं, मिलके यार मेहनत करो खूब और अच्छे से सीखो और फिर अच्छे से पैसे कमाओ, और भी लड़कों को भी सिखाया करो, लड़के जमा कर लो मोहल्ले के। अच्छा ये सब लोगों को मशवरा दे रहा हूँ मैं कि जो चीज़ यहाँ से सीख रहे हो ना, मोहल्ले के 4-5 लड़के इकट्ठे कर लो जो कंप्यूटर के इंटरेस्टेड हैं, जो कंप्यूटर में। पिछले वीक मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि कोई चाचा मामा ताए का कोई वेबसाइट हो, कोई बिजनेस हो जो वेबसाइट अभी तक नहीं है, उनको घेर लो, उनकी वेबसाइट बनाओ, ठीक है। आज मैं एक और मशवरा दे रहा हूँ, ये भी कर लो, दोनों कर लो, लड़के जमा कर लो 4-5 एरिया के, एरिया में होते हैं बहुत सारे ऐसे ही बैठे रहते हैं कोने में। अच्छा वो उनको जब तुम बुलाओगे ना पढ़ाई करने के लिए तो वो तुम्हें गालियाँ भी देंगे सामने, कहेंगे अबे यार ये पता नहीं क्या मामू बन रहा है कहीं जाके, और ये अभी वहाँ से सीख के आता है, ये हम पे चलाता है, ठीक है बोलेंगे वो। लेकिन उसको उसकी परवाह नहीं करनी आपने, आप उनको क्यों बुला रहे हैं? अपने सीखने के लिए। यहाँ से जो भी पढ़ रहे हो ना उनको बिठा के सिखाओ, अपने घर पे बुला लो उसको, या अगर किसी के घर पे अगर अवेलेबल है कंप्यूटर तो उसके घर पे चले जाओ, बोलो भाई ये फला दोस्त है इसके घर पे सीखा करेंगे हम। 4-5 लड़के, 2 लड़के, 3 जितने भी हो, 10-12 हो जाए तो और अच्छा है, उनको ना सिखाओ और उनको बोलो ये बना के दिखाओ, सही है। तो उससे क्या होगा, जब बंदा खुद पढ़ रहा होता है ना तो उस तरह से नहीं सीख पाता चीज़ें, ठीक है। जब किसी को पढ़ाता है ना तो सामने से वो वियर्ड किस्म के क्वेश्चन पूछता है, जो जिसको आप पढ़ा रहे होंगे वो वियर्ड क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा यार ये कैसे हो गया, मैंने ये लिखा तो इसका इस ये नज़र कैसे आ गया स्क्रीन पर, इस तरह के वो सवाल पूछेगा आपसे। तो आप जब सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेल्फ रियलाइजेशन होगी जो वैसे हो नहीं सकती आपको, ठीक है। और थोड़ा सा माहौल भी बन जाएगा, मोहल्ले में 4 लोगों को पता चलेगा कि अच्छा यार आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ढंग का कर रहे हैं। तो और बेस्ट केस तो ये हो कि आप अपनी बिल्कुल कॉपी तैयार कर दें, यहाँ से जैसे सैलानी से आप सर्टिफाइड होकर निकले तो जो कुछ आप बना रहे हो वही आपका स्टूडेंट भी बनाने के काबिल हो जाए, ठीक है। तो आइडियल केस तो ये हो। तो भाई जमा करो, माहौल बनाओ। देखो चाइना जो आज आगे है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाइना का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जिस कॉम्पिटिशन पर चाइना आगे खड़ा है ना ये कोई और कर ही नहीं सकता। मैनुफैक्चरिंग में चाइना का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। कहने को तो है जापान भी मैनुफैक्चरिंग कर रहा है, अमेरिका में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है जिस लेवल पे इस वक्त चाइना खड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना आगे कैसे निकला, क्या वजह हुई ऐसी? जैसे हमारे यहाँ ना मिसाल के तौर पे चाइना में ना आप क्रिकेटर ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा, चाइना की क्रिकेट टीम नहीं है अभी तक, पता है ना चाइना की क्रिकेट टीम नहीं है, वो लोग चाह रहे हैं कि क्रिकेट टीम बन जाए और उनको क्रिकेटर ही नहीं मिल रहे। वो इसलिए नहीं मिल रहे कि क्रिकेट किसी को खेलनी नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारा कौमी खेल है हॉकी, हॉकी का प्लेयर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। किसी ने आज तक सुना है कि फला मेरी गली के 4 गली आगे रहता है वो हॉकी खेलता है और हॉकी खेलने का बड़ा शौक है उसको, वो हॉकी की टीम में जाना चाहता है? कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हॉकी का शौक ही नहीं है। अच्छा तो चाइना वालों को ना क्रिकेट का शौक नहीं है। हमारे यहाँ क्रिकेट क्यों इतनी कॉमन है? क्योंकि भाई ज़रा सा फारिग टाइम होता है
आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो यार क्रिकेट खेलनी है, बैट नहीं है तो क्या करें? कोई भी लकड़ी उठाई और उसको बैट बना लिया और क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। बॉल नहीं है, हम लोग क्लास में, जब स्कूल के ज़माने की बात है, हम लोग क्लास में क्या करते थे, रजिस्टर को बैट बना के उससे खेल रहे होते थे, पिटाई भी पड़ती थी, जो डांट भी खाते थे। लेकिन अब फ्री टाइम है, क्या करें? अच्छा क्लास भी छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो कॉर्नर कॉर्नर पे खड़ा हो गया बंदा, एक कॉर्नर पे वो रजिस्टर लेके खड़ा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे वो ऐसे कागज़ को गोल करके फेंक रहा है, ठीक है? तो कॉर्नर कॉर्नर करके बनाया हुआ है हमने कि थोड़ा दूर दूर रहे, मजा आए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक बना रहे हैं माहौल। सैटरडे का दिन है, रात का टाइम है, अभी सैटरडे को लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती है शायद, ठीक है? हमारी तो नहीं होती, हमारा तो भाई फ्रीलांसिंग में तो कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है? इतवार को भी बैठना पड़ता है, कभी ईद वाले दिन भी बैठना पड़ता है काम करना। तो लोगों की शायद जल्दी वल्दी छुट्टी हो जाती होगी सैटरडे को, सैटरडे को रात को सारे जमा हो जाते हैं, क्या हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं और लाइटें वाइटें लगा के और बड़े घर से लड़के डांट खा के पिट के आ रहे होते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलनी है उनको। अच्छा टीवी पे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्रिकेट देख रहे हैं। तो ये माहौल बनाया हमने किस चीज़ का, क्रिकेट का। चाइना में ये चीज़ नहीं हुआ, वहाँ पे क्रिकेटर नहीं है। चाइना में क्या किया उन लोगों ने, चाइना में उन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स की आईसीज की प्रोग्रामिंग की वहाँ पे ये लोग इस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ग्रेजुएट करके निकले अपने कॉलेज से, आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, और अभी भी वहाँ पे ये माहौल है, अगर किसी का चाइना जाने का इत्तफाक हो, चाइना की मार्केट्स में जब जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की जो मार्केट है, आप वहाँ पे जब जाएंगे ना और आप अपना आइडिया लेकर जाएंगे कि यार मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाऊँ जिसमें मैं एक बटन प्रेस करूँ ना तो गाना चले, सिंपल सा आइडिया है, आप वहाँ पे उसको बोलेंगे ना बंदे को, वो बंदा कहेगा यार पैसों की बात भी नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है यार मैं क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए, मेरे पास स्पीकर्स हैं, 10-12 तरह के स्पीकर्स आपको निकाल के सामने रख देगा, कहेगा यार मेरा स्पीकर का काम है, इसमें से बताओ कौन सा स्पीकर है जो तुम्हें लग जाएगा सही। आपने कहा यार ये वाला लग जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे एक LCD वाला बैठा होगा, कहेगा यार LCD की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा यार LCD की तो ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी आप में चिपकेगा, वो बोलेगा यार एक काम करो मैं ना तुम्हें रिबन्स बना दूंगा इसकी, जो रिबन मदरबोर्ड से लेके और उसको स्पीकर तक कनेक्ट करेगा, ठीक है? हो सकता है वो दुकान से निकल के आपके साथ ही चल पड़े, वो बोले यार फला मेरा दोस्त है वो प्लास्टिक की जो बॉडी है ना वो बना लेता है, तो मैं चल के उससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, वो जाके उससे इंट्रोड्यूस करवा के आएगा, और सुबह आप शुरू होंगे ना अगर, तो शाम तक आपके पास प्रोटोटाइप हाथ में हो गए। वहाँ पे ऐसा माहौल है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, ठीक है? तो छोटी छोटी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक की, आप देखें सब चाइना में बन रही है, समझ लो। मिसाल के तौर पर जैसे ये CCTV पीछे लगा हुआ है कैमरा, चाइना में बना हुआ है। आप अगर निकलेंगे ना कि यार मुझे CCTV चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, कमोडिटी है ना, सब कुछ पहले से हुआ हुआ है, सिर्फ उसको असेंबल ही तो करना है। वहाँ पे आप जाएंगे, मोबाइल फ़ोन बनाना है ना आपको, खुद का मोबाइल फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन आपको बनाना है। अगर आप वहाँ मार्केट में दाखिल होंगे, आप कहेंगे यार मुझे अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए, कितने इंच की स्क्रीन होनी चाहिए, इतने इंच की, वो कहेगा ठीक है भाई इतने इंच की स्क्रीन होगी। फिर वो बॉडी वाला एक बैठा हुआ है, वो 3D पे बैठ के जल्दी से बनी हुई बॉडी होती है, थोड़ा आपके हिसाब से मॉडिफाई कर देगा उसको, जल्दी से 3D पे प्रिंट भी मार के आपको दे देगा, ठीक है? बैटरी चाहिए, बैटरी वाले के पास चले जाओ, उसको बोले यार इतने इतने MAH की बैटरी है, डायमेंशन बता दो, बैटरी मिल गई। शाम तक आपका प्रोटोटाइप तैयार होगा मोबाइल फ़ोन का। उसके बाद मास प्रोडक्शन वाले भी लोग बैठे हैं ऑफिस खोल के अपना, आपको पूरा पीस ले जाके देंगे, कहेंगे मास प्रोडक्शन करनी है, कितने भाई 2000 पीस बनाना है, 5000 पीस बनाना है, 10000 पीस बनाना है, वो आपको एस्टिमेट करके बता देगा इतने में बनना है। ये माहौल वहाँ पे कैसे बना? यहाँ पे माहौल इसी तरह बना है कि भाई बच्चा कोई आता है ना, कोई काम नहीं है, तो उसके अम्मा अब्बा उसको भेज देते हैं, जा भाई वहाँ दुकान में जाके काविया पकड़ के बैठ जा। काविया पकड़ के बैठा हुआ बच्चा, वो IC को चिपका रहा है, कोई रेजिस्टेंस को चिपका रहा है, मल्टीमीटर से खेल रहा है, इस तरह बना है ये माहौल वहाँ पे। और इस वक्त उनको कोई काम नहीं होता ना अगर करने के लिए, तो वो जाके काविया लेके बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो ऑस्किलोस्कोप वहाँ पे हर घर में होता है, हमारे यहाँ तो ऑस्किलोस्कोप का नाम ही नहीं सुना हुआ होता हमने, वहाँ पे हर घर में होता है। हमारे यहाँ हर घर में क्या होता है, बल्ला होता है क्रिकेट का बैट, ठीक है? और हद तो ये है कि गवर्नमेंट भी बैट की आ गई है, ठीक है? वोट डालने भी जा रहे हैं तो बल्ले पे ही निशान लग रहा है, ठीक है?
ठीक है, हम ये नहीं कह रहा कि लगाओ ये नहीं लगाओ, वो एक अलग बहस है, वो भी टॉपिक नहीं है हमारा। तो पॉइंट मेरा ये है कि वहाँ पे हर घर में मल्टीमीटर और ऑस्कोलोस्कोप है, हर घर में काविया है, वहाँ पे हमारे यहाँ हर घर में क्रिकेट की बॉल है। तो हमारे यहाँ का माहौल क्रिकेट वाला है, उनके यहाँ का माहौल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। अच्छा, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम माहौल अपना चेंज करें, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन क्रिकेट में इतनी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, जो सही बात है वो सच ये है कि क्रिकेट में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्रिकेट में 10-12 बंदे होते हैं खेलने वाले, चलो मैनेजमेंट में लगा लो 10 और बंदे होंगे, ठीक है, एक टोटल टीम में 20-22 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना बंदे। चलो ग्राउंड की सफाई होगी, कटिंग होगी, सब कुछ होगा, 50 बंदे उसके लिए भी लगा लो, पर ग्राउंड 50 बंदा, पर मुल्क 20 बंदे, ठीक है, पर मुल्क 20 बंदे। अब ग्राउंड पूरे मुल्क में कितने होंगे? 10-12 होंगे बहुत ज़्यादा, तो 50 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, कितने हो गए? 500 बंदे ग्राउंड की सेटिंग देख रहे हैं, 20 बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, 520 बंदे हैं टोटल पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट में एम्प्लॉयमेंट 520 लोगों की है। और पागल कितने हुए हैं क्रिकेट के लिए? 5 करोड़ पागल हुए हैं, 5 करोड़ बंदे क्रिकेट के लिए पागल हुए हैं, उनको क्रिकेटर बनना है। कैसे बनना है भाई? एम्प्लॉयमेंट ओपनिंग ही 520 है, तो 5 करोड़ कैसे फिट होंगे उसमें? ऑन अदर हैंड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस वक्त कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जाए ना तो वो बोले भाई हमें एक भी बंदा नहीं चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर बोलेगा कि यार आप पैसे ज़्यादा मुँह फाड़ के मांग रहे हो, उतने दे नहीं सकते हम, ठीक है, थोड़ा कम में आ जाओ, वो आपको थोड़ा निगोशिएट करेगा पैसों में, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे बंदा नहीं चाहिए, ये नहीं बोलेगा। पाकिस्तान में किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, मतलब सॉफ्टवेयर हाउस का मतलब ये नहीं कि 4 दोस्त कुर्सी ला के बैठे हो, प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिस्टम लिमिटेड में अभी पता नहीं 500-600 बंदे हायर किए हैं और भी हायरिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं शुरू, अल्लाह समझ से बाहर है, अल्लाह ही बेहतर जाने। 500-600 बंदे हायर करके भी ना वो ठंडे नहीं हुए, अभी तक उनका ऐड लगा हुआ है और अभी भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं वो, कोई होने वाला होगा, कोई नया प्रोजेक्ट बड़ा आने वाला होगा उनके पास। तो पॉइंट मेरा ये है कि जिस फील्ड में लाखों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट खाली है, लोगों को बंदे नहीं मिल रहे, उसका माहौल बनाना पड़ेगा। आने वाली दुनिया, हमने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस कर ली थी कि आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी की है, जिस बंदे को टेक्नोलॉजी का नहीं पता इस नई दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी का माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने का एक ही तरीका है कि जब आपके पास कोई काम नहीं हो ना, फारिग हो बंदा, तो बोले यार आओ बैठ के कुछ कोडिंग करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट कोई भी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वॉइस एप्लीकेशन, चैट बॉट, ठीक है, कोई भी चीज़ कुछ बनाते हैं, कोई कॉइन बनाते हैं, NFT क्रिएट करते हैं कुछ, ठीक है, कोई ब्लॉकचेन पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कोई अच्छा सा डेटाबेस बनाते हैं, तो फारिग टाइम में ये करें हम, हमारा ये वाला माहौल हो, कंप्यूटर हर घर में मौजूद हो, ठीक है। कंप्यूटर हमारे यहाँ होता है हर घर में मौजूद, लेकिन वो सैटरडे को सिर्फ ऑन होता है मूवी देखने के लिए, बाकी वो बंद पड़ा रहता है। तो कंप्यूटर खरीदें, अपने दोस्तों को भी बोले भाई कंप्यूटर खरीदो, इस फील्ड में आओ, यहाँ पे पैसे हैं। तो वही बंदा जो क्रिकेट के लिए पागल हो रहा है, उसको क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हो रही, वो जाके ना KFC में काम कर रहा है, 20-22 हज़ार की जॉब कर रहा है, वो भी बोल रहे हैं भाई बंदे की ज़रूरत नहीं, वो कह रहा है फिर भी मुझे फ्री में रख लो, वहाँ फ्री में काम करके वो क्रिकेट अकेडमी की फ़ीस भर रहा है, 4-5 हज़ार भी देगा वो तो लग रहा है वहाँ पे जाके। किसी दुकान में जा रहा है, बोल रहा है भाई मैं सेल्समैन बन जाऊँगा, 6 घंटे 8 घंटे जितनी देर कराना है काम कराओ, 5-6 हज़ार दे दो, मुझे फ़ीस भरनी है अकेडमी की बस। तो क्यों ना वो टाइम यहाँ पर लगवाएं हम उनसे, तो हमें माहौल बनाना पड़ेगा। अच्छा, और आप लोगों के लिए, ख़ुद के लिए भी बहुत बेहतर है कि अगर माहौल बन जाए, क्योंकि जब माहौल बन जाता है तो उसमें सर्वाइव करना आसान होता है, ठीक है। जैसे नमाज़ पढ़ने की अगर हम बात करें, अगर घर में ना रमज़ान में क्या होता है, सब लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, तो आपको ना फील नहीं होता इतना, नमाज का टाइम होता है तो घर वाले सारे निकलना शुरू हो जाते हैं नमाज के लिए, तो आप बोलते हैं चलो यार सब जा रहे हैं मैं भी चला जाता हूँ, इतना फील नहीं होता। लेकिन आम दिनों में फील होता है कि यार अजान हुई है, बाकी लोग तो कामों में लगे हैं, मैं निकल के जा रहा हूँ, तो फील होता है। तो माहौल बनने से क्या होगा, ये मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है, फील नहीं होता आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरे लोगों को पढ़ाएं, तो आपका सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि आपकी जो आने वाली नस्ल है ना, वो इसी जगह परवान चढ़ेगी, इन्हीं इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं गलियों में परवान चढ़ेगी, ठीक है।
मेरा यहाँ पे बैठ के पढ़ाने का मकसद मेन यही है, क्योंकि पैसे तो फ्रीलांसिंग से इतने आ रहे हैं कि मुझे पढ़ाने वढ़ाने की क्या ज़रूरत है यार। इसमें पढ़ाई में कोई पैसे वैसे थोड़ी ना इतने ज़्यादा, मतलब हैं, लेकिन सैलानी इतने ज़्यादा पे नहीं करता टीचर्स को, एक मिनिमल अमाउंट पे कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्यों बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो चाहिए मैं आप जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को टाइम दूँ, वो पढ़ूँ। लेकिन मेरा सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि भाई मेरी आने वाली नस्लें इसी इन्हीं लोगों के दरमियान पले बढ़ेंगी, तो इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए अगर मैं कुछ भी अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वो करूँ, करना चाहिए मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। वरना क्या होगा, किसी और कंट्री जाऊँगा मैं ये माहौल, अच्छा माहौल ढूंढने के लिए। लेकिन जब मैं किसी और कंट्री में जाता हूँ, मैं यूरोप में जाता हूँ, अमेरिका में जाता हूँ, तो वहाँ पे ये तो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी कि यार अच्छे लोग, अच्छा स्कूल, साफ़ सुथरी गलियाँ, अच्छे हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ के अपने मसले मसाए हैं। लोगों के बच्चे 10-12 साल के होते हैं, लोग भाग के पाकिस्तान वापस आते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जाऊँ फिर 10 साल बाद वापस आऊँ, उससे बेहतर है वो 10 साल में यहाँ थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे आपका बच्चा 18 साल का हो गया तो आपके हाथ से गया करो, फिर आप उसको घर पे नहीं रोक सकते, उसको आप ज़बरदस्ती पाकिस्तान भी नहीं ला सकते, ठीक है। बहुत सारे मसले हैं, तो पाकिस्तान को छोड़ के जाना मसले का हल है ही नहीं, कभी भी नहीं था। जो पाकिस्तान को छोड़ कर गए वो पछताए आखिर में, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यहाँ के लोग छूट जाते हैं, यहाँ पे जो पुराने दोस्त हैं वो सारे इधर उधर हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ एक नया माहौल होता है, स्ट्रगल का माहौल होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंतहा से ज़्यादा है। एक पानी की बोतल 5-5 हज़ार रुपये की पड़ रही होती है, एक पानी की बोतल जो है अगर आपको 5 हज़ार पे करने पड़े पाकिस्तान में तो आपकी चीख निकल जाएगी, लेकिन वहाँ पे करना पड़ता है, पे करते हैं लोग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा है, नए लोग हैं, नया माहौल है, प्यार मोहब्बत उस तरह से कोई आपको क्यों देगा। अगर यहाँ पे कोई ईरान से कोई बंदा आया हुआ है या कोई दूसरी कंट्री से आया हुआ है तो क्या उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है? नहीं मिलती ना। कोई इंडिया से आया हुआ है, शुरू शुरू में चलो 2-4 दिन रिश्तेदारों में वाह होती है कि भाई फला जगह से ये हमारे रिश्तेदार आए हैं, लेकिन 4 दिन के बाद तो ख़त्म हो गया ना सब कुछ। वो वेजेस पे होता है, जितनी वेज आती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, ये चक्कर है, ठीक है। जितनी वेजेस आती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में रह के आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल 160 का हो चुका है, लेकिन अगर आप यूरोप और यूएसए से कंपेरिजन करेंगे ना तो अभी भी सस्ता है। आप सिंपल लिखो गूगल पर जाके कॉस्ट ऑफ लिविंग और किसी भी सिटी का नाम लिख दो, वो बता देगा भाई 200% ज़्यादा है कराची से। कराची इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। चीपेस्ट सिटी में रह रहे हैं हम इस वक्त, यहाँ पे गाड़ियाँ भी सस्ती हैं, गाड़ियाँ तो खैर अब महंगी हुई हैं, वरना एक टाइम तक तो बहुत सस्ती थी गाड़ियाँ, ठीक है। टैक्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मज़े थे। जापानी गाड़ी लेते थे वो और सस्ती पड़ती थी, तो हर चीज़ सस्ती है यहाँ। घर के किराए भी, रेंट भी सस्ते हैं, ठीक है। बसों के किराए भी सस्ते हैं, लेकिन बसें हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये अब बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट पर तुम आ गए। अब इन्होंने कहा कि यार चलो सब कुछ मान लिया, पैसे यहाँ पे कम खर्च हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, लेकिन सैलरी उससे भी कम है। तो आइडियल केस ये होना चाहिए कि काम मैं अमेरिका में करूँ, पैसे अमेरिका के लूँ, रहूँ मैं चीप जगह में कराची में, वो मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, ठीक है। फ्रीलांसिंग करूँ, फ्रीलांसिंग में कोई गोरा अगर आपके पास जॉब लेकर आता है तो आप उससे क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई $20 तो मिनिमम वेज है ना, $20 तो दे दे कम से कम। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा चल यार $20 दिए मुझे, ख़त्म बात। इससे कम तो नहीं बोलेगा ना वो। यहाँ पे पाकिस्तान में आप किसी फैक्ट्री में जॉब करने गए, आप 17,000, आपको बोल रहा है यार 10,000 में जॉब कर लो, आप उसको क्या बोलोगे? बोलोगे भाई 17,000 मिनिमम वेज है, इमरान खान ने बोल दिया 17,500 से कम तनख्वाह नहीं होगी, तो उतने तो दे दे भाई। बोलेगा चल दे दे, यही बोलेगा ना। ये आपको क्या बोलेगा? नहीं नहीं मैं 10,000 ही दूंगा। तो 17,500 देने में किसी फैक्ट्री वाले को मौत नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको देना है, उसको पता है इतना है मिनिमम। तो अमेरिका में बैठे हुए गोरे को भी $20 घंटा देने में आपको कोई मौत नहीं आएगी। $20 घंटे के हिसाब से लगाओ ज़रा, 40 घंटे लगते हैं वीक के, जो एक नॉर्मली लोग काम करते हैं 40 घंटे वीक में काम करते हैं, 8 घंटे रोज़। तो 40 को मल्टीप्लाई मारो 20 से, कितने हुए? 20 × 40, 800 घंटे हो गए, ठीक है।
800 घंटे मल्टीप्लाई बाय 20, 800 मल्टीप्लाई बाय 20, 16,000, कितने ही बनते हैं, $16,000 बनते हैं महीने के, कम तो नहीं है। चलो 16,000 बहुत हो गया ना, 1600 भी अगर मिल जाए, $1600 कितने बनते हैं, 16,000 आ रहे थे यहाँ पे अभी, हाँ साल के कैलकुलेट नहीं किए मैंने, $20 पर आवर है ना, घंटा है $20 घंटा, तो मैं हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा हूँ, तो 4 हफ्ते में कितने हुए, 4, 8, 12, 16, 160 घंटे काम कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा 160 मल्टीप्लाई बाई 20, सही है, 160 मल्टीप्लाई बाई 20, अच्छा 3200, मैंने कुछ मिस्टेक की थी भाई, 3200 आ रहा है, सही कहा आपने, मैंने 16,000 कर दिया था, 3200 आ रहा है, ठीक है, 3200 भी नहीं, मैं 1500 लगा लेता हूँ, उससे भी कम, $1500 अगर मिल जाए तो बुरे तो नहीं है, और कम कर लो 1000, 1000 भी बुरे नहीं है, $1000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 1,70,000 या 80,000, ठीक है, 1,70,000, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ, जितने भी बैंक है ना, किसी भी बैंक के मैनेजर की अगर 1,70,000 तनख्वाह हुई ना, तो मेरी तरफ से स्पेशल लियारी खा लेना, ठीक है, बैंक बैंक में काम करने वाले की बड़ी वाह वाह होती है ना, बैंक में काम करता है, बैंक के इस वक्त जो मैनेजर्स हैं वो 40,000, 35,000, 30,000 पे काम करते हैं, ठीक है, कितने मिलते हैं, 80-90 उनके जो सदर में ब्रांच है, जहाँ पे दिन भर तांता बंदा रहता है, करोड़ों की लेन देन है, सदर में या तिब्बत सेंटर में या किसी कमर्शियल एरिया में, काइंड ऑफ उनकी ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन के क्या वर्क उससे ले रहे हैं, वरना जो कोई औरंगी टाउन में ब्रांच है या कोई बनारस टाउन में ब्रांच है या कोई मलीर में ब्रांच बनी हुई है, लांडी में बनी हुई है, तो वहाँ तो कोई कस्टमर इक्का दुक्का है आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी देंगे 80-90 हज़ार, वहाँ पे तो 25,000 में करेगा वो, और 25,000 में वो क्या करेगा, सुबह आएगा 6 बजे उठेगा, सुबह 6 बजे उठ के गाड़ी स्टार्ट करेगा सीधा स्टेट बैंक, 7 बजे उसको पहुंचना है स्टेट बैंक, कहाँ पे वो जो आईआई चंडीगढ़ रोड पे, वहाँ पहुँचेगा वो, वहाँ पे अंदर जाके हाज़िरी लगाएगा अपनी, मैनेजर की हाज़िरी वहाँ होती है, किसी भी मैनेजर से पूछ लेना, मेरी बात पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजर की हाज़िरी बैंक में नहीं होती, वहाँ होती है, वहाँ हाज़िरी लगाएगा वो, हाज़िरी लगा के जाके बोलेगा भाई मैं आ गया हूँ, मेरे नोट तैयार करो, वो नोट तैयार होंगे थैले में बन के, सील लगेगा उस पर, और सील लग के वो अपनी निगरानी में गाड़ी में डलवाएगा, गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई होती हैं, वो वेट करेगा कि भाई गाड़ी वाला आएगा तो मैं रखवाऊंगा, वो नोट थैले में बंद करके गाड़ी में रखवाएगा, अपनी निगरानी में पीछे पीछे उस गाड़ी का खुद भी आएगा, बैंक में लाके उसको लॉकर में डलवाएगा अपनी निगरानी में उस नोट को, फिर वहाँ पे आके बैठेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा हमला आना शुरू होगा, 9 बजे बैंक स्टार्ट हो गया, बैंक स्टार्ट हो गया उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, किसी भी अगर रिलेशन वाले बंदे को किसी को भी अगर शक होगा ना चेक पे साइन में शक होगा, वो मैनेजर के पास लेके आ जाएगा, सर ये साइन में ऐसे क्या हुआ, अब वो दिन भर उसका यही काम है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, अच्छा कोई मेरे जैसा बंदों को फ़ोन भी कर लेगा, राजा साहब क्या हाल है किधर हैं, सही है, तो मेरे जैसे बंदों से भी किसी का फ़ोन आ जाएगा तो उसको भी भाव देना है, कुछ ना कुछ करना है उसका भी, ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मेरा कोई फॉर्म उन्होंने कर दिया, अक्सर वो लगा देते हैं वो आर फॉर्म, पता नहीं कौन सा है, कहीं भी पैसे आते हैं कहीं न्यू कंट्री से, बोलते हैं आर फॉर्म भरो, अभी हाँ पता नहीं, हाँ रेमिटेंस का कुछ वो रीज़न क्या है, तो मैं बोलता हूँ यार ये तुम्हारे बंदे फिर आर फॉर्म का चक्कर लगा देते हैं, क्या करें यार, हाँ तो बोलते हैं अरे कोई मसला नहीं है भाई मैं खुद ही साइन कर देता हूँ, तो वो खुद ही आर फॉर्म भर के मेरा साइन करके जाली, वो ये काम भी कर रहा है, करना है उसको भाई, उसको पता है नहीं करूँगा ये दूसरे ब्रांच में खोल लेगा, वो तो इसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगा बिठा के, फॉर्म भी खुद भरेगा कोल्ड ड्रिंक, मेरे को कोल्ड ड्रिंक तो बच रही है ना मेरी, तो वो खुद ही फॉर्म भर के आगे कर रहा है, ये हालत हुई है बैंक की, शाम को सारे मुलाजिम चले जाएंगे, उसकी छुट्टी नहीं हुई है, 5 बजे कस्टमर के लिए गेट बंद करते हैं, 5 बजे कस्टमर के लिए गेट बंद होगा, उसके बाद सारा अमला क्लोजिंग करेगा, दिन की क्लोजिंग 1 घंटे में क्लोजिंग कर ली, छुट्टी उनकी, उसके बाद मैनेजर अभी भी बैंक में, अब वो गाड़ी वाले को फ़ोन करेगा भाई किधर है जल्दी आया यार नोट लेके जाना, जो बचे हुए नोट होंगे ना शाम को वो सारे निकालेगा, सील लगाएगा उसमें, गाड़ी में रखवाएगा, स्टेट बैंक में जमा करवा के फिर घर जाएगा,
और जमा करवाने के बाद भी हाजिरी लगा दूंगा। रात को 10 बजे पहुंचता है घर को। नहीं, जाहिर है, जब स्ट्रेटेजी तो यही होनी चाहिए ना कि जो फील्ड अच्छी लग रही है उसके को बंदा पकड़ो, उसको बिठाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, उसको चाय वाय पिलाओ, सही है, और फिर उसके ऐसे कंधे में हाथ रख के पूछो और भाई क्या चल रहा है, तो वो सब उगल देता है, सही है। कोई फील्ड अच्छी लग रही है ना, क्रिकेटर बनना है ना किसी को, किसी क्रिकेटर से दोस्ती करो, उसको 3-4 दिन लगातार ना कढ़ाई बढ़ाई खिलाओ, 16-16 2-2 हज़ार रुपये की, 1600-2000 में कढ़ाई बहुत अच्छी मिल जाती है कराची में, उसको 3-4 दिन ना लगातार कढ़ाई खिलाओ, 4th दिन वो सब उगल देगा कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, मेरे साथ मसला हो रहा है, ये आगे पॉलिटिक्स है, फलां पॉलिटिशियन का बेटा है, उसको मेरी जगह पे डालना चाह रहे हैं, ये सब उगल देगा, यही स्ट्रेटजी है भाई। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी ना कोई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सैलानी में पढ़ा रहा है, कोई बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे, या कोई किसी सिस्टम लिमिटेड में जॉब कर रहा है, टेम्पल्स में जॉब कर रहा है, या फ्रीलांसर है फुल टाइम, उससे दोस्ती करो डेली, उसको 2-3 दिन उसके साथ बैठो, उसको खिलाओ पिलाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, 4th दिन वो बता देगा सब कि फ्रीलांसिंग के क्या क्या मसले हैं और पैसे कितने आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते, बेवकूफ़ बना रहे लोग, आसान तरीका है, ठीक है। तो मैंने कोई 10-12 मेन जो शोबे हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके सिविल से लेके गारमेंट्स टेक्सटाइल से लेके और जो है आपके है बैंक से लेके सबको किया हुआ। फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम मैं क्यों बताऊं भाई तुम्हें, है मेरी फील्ड की प्रॉब्लम पूछना चाह रहे हो तुम। देखो मुश्किल ऐसा तबार से है कि सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है, आपको बिड भी खुद करनी है, पैसे में निगोशिएशन भी खुद करनी है, आप टाइम मैनेजमेंट भी, आप कोई बोलने वाला नहीं है ना, आपको काम होता ही नहीं है, खुद से अपने आप को धक्का लगाना पड़ता है, फिर डिलीवर करना पड़ता है, फिर उसको पिच भी करनी पड़ती है, भाई ये जो मैंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, फिर वो बोलेगा यार ये तो ऐसे तो नहीं होता, फलां तो ऐसे, तो आपको उसको फिक्स भी करना है, आइडियाज़ भी देने हैं, सम टाइम कस्टमर आ जाता है, खुद ही कुछ नहीं पता होता मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, पैसे होते हैं उसके पास, उसको ये नहीं पता होता बनाना क्या है, तो उसके साथ डिस्कस भी करना होता है, उसको हेल्प आउट करना पड़ता है, तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं पूरे। ऑन अदर हैंड अगर कहीं जॉब करें तो आपको टास्क लिखा हुआ मिलता है, करना होता है, शाम को छुट्टी, घर जाके कोई टेंशन नहीं, इसमें घर जाके भी टेंशन है, सोचना पड़ता है यार, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है, और जो जितनी मेहनत ज़्यादा है पैसे भी उतने ज़्यादा हैं, ये तो हम शुरू में ही देख चुके हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना बात, कि जितनी ज़्यादा मेहनत जितना मुश्किल काम उतने ज़्यादा पैसे, आसान काम के तो वैसे भी कोई पैसे नहीं है, आसान काम के कोई पैसे हैं, अभी मिसाल के तौर पर मुझे दीवारें पोछा लगाना है दीवारों पर, सही है ना, मैं बाहर से कोई बंदा पकड़ूंगा, मुझे 4 लैब है चारों, कल कोई इवेंट है मैंने सफाई करानी है, कोई बंदा नहीं आया, कोई मिसिंग है, कोई इशू है मेरे साथ, मैं बाहर किसी बंदे को अगर पकड़ूंगा कि यार आजा तुझे जॉब देता हूँ, इसके कितने पैसे पे करने चाहिए मुझे, एक दिन की जो दिहाड़ी है, क्योंकि सुबह से शाम को शायद लग जाए उसको, एक दिन की दिहाड़ी दूंगा मैं उसको, 17,500 के हिसाब से लगा लो एक दिन की दिहाड़ी क्या बनती है, ठीक है, उतनी दे दूंगा मैं उसको। वो बोले नहीं यार ये 4 कमरे करने के ना मैं 70,000 रुपये लूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, मैं बोलूँगा भाई सॉरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप लेवाइस के सीईओ हैं, सही है ना, मतलब 4 घंटे के 70,000 मांग रहे हैं तो भाई कोई सीईओ होगा किसी कंपनी का, तो मैंने कहा गलती हो गई भाई, किसी दूसरे को पकड़ूँगा फिर मैं। अच्छा जी, शेन वॉर्न कौन है ये? कौन है भाई, मुझे वाकई नहीं पता है। अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा मेरे नाम पे नहीं जाओ, मेरा नाम इंजमाम है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है मेरा, मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटरों के नाम भी पूरे शायद नहीं पता, ये पाकिस्तानी तो नहीं होगा, ऑफकोर्स ये इंग्लिश नाम है, ऑस्ट्रेलियन है, मुझे तो पाकिस्तानियों के नाम नहीं पता। एक दिन सैलानी में किसी क्रिकेटर को बुलाया था इन्होंने ना, इन्वाइट किया था, तो मैं थोड़ा सा शुरू हो चुका था इवेंट, तो फिर मैं आया, तो वो जैसे ही स्टेज से कुछ बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैं खड़ा हो गया, मैं वहीं बैठ गया जहाँ पे, तो वो नीचे उतरने लगे तो सारे लोग एकदम सेल्फी सेल्फी, मैंने कहा ये है कौन, इतना इसको भाव दे रहे हैं लोग, है कौन ये,
आधे घंटे तक मुझे समझ में नहीं आया ये है कौन, क्योंकि उसने सूट वूट पहना हुआ था, ड्रेस में क्रिकेटर बन के थोड़ी आएगा वो कोई कैप्टन था उस वक्त वो क्रिकेट टीम का, सरफराज ही शायद नाम था उनका, तो मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर मैं जब जगह वगैरह बनी ना फ्रंट पे जो सारे जहाँ पे टीचर बैठे हुए थे, मैं वहाँ जाके पहुँचा तो मुझे दूसरे टीचर ने बताया कि यार ये तो अभी जो जीत कर आया ना कप वो है ये। तो मैंने कहा अच्छा वो है ये, तो मेरा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है कोई क्रिकेट वगैरह से। अच्छा भाइयों कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं अब थोड़ी, फ्रीलांसिंग के लिए हाँ इंग्लिश आना ज़रूरी है। अच्छा इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत कम आती है। चलो ये देखो सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात है। इन्होंने आपके दोस्त ने सवाल पूछा कि क्या फ्रीलांसिंग के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने इनसे सवाल पूछा कि क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इन्होंने कहा यार आती तो है थोड़ी बहुत आती है लेकिन पूरी नहीं आती। ठीक है अच्छा कितने लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश, बाकी लोग जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनसे मैं पूछना चाहूँगा। प्लीज़ का मतलब पता है, हेलो पता है, हाय पता है, कंप्यूटर पता है, तो ये सब इंग्लिश नहीं है तो क्या है भाई। समोसा भी इंग्लिश का वर्ड है, फुटपाथ भी जो बोलते हैं वो भी इंग्लिश का वर्ड है, जंगल भी इंग्लिश का वर्ड है, टॉयलेट भी इंग्लिश, रूम चेयर टेबल डेस्क ये सब तो इंग्लिश है, वोकैबुलरी सारी आती है हमें, सिर्फ उसको जोड़ने की बात है थोड़ी सी। ठीक है सिर्फ उसको जोड़ने की बात है। देखो तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है, यहाँ पे जो बैठे हैं सबको आती है। अच्छा ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना थोड़ा दिल थाम के सुनिएगा इस बात को और हजम करने की कोशिश कीजिएगा, हजम होने वाली बात है नहीं। देखो अंग्रेज़ी ना इस वक्त दुनिया की नंबर वन ज़ुबान है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। अच्छा जर्मन भी बहुत फेमस है, क्योंकि जर्मनी देखो दुनिया में ना तीन तरह की कंट्रीज़ हैं। ठीक है दुनिया में तीन तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि कौन कितना लड़ता है इसकी कैटेगरी बनी हुई, कौन कितना लड़ाकू है। ठीक है उसमें एक को कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, एक को कहते हैं सेकंड वर्ल्ड और एक को कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। ठीक है दुनिया का मेयार बता रहा हूँ इस वक्त, हमारी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं जिस प्लेनेट अर्थ पे उसका मेयार बता रहा हूँ ये मैं, कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे की हुई है कि कौन कितना लड़ाकू है। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर टू हुई है ना आखिरी जो भी वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें कौन जीता वो फर्स्ट वर्ल्ड है। अमेरिका क्लेम करता है कि हम जीते, अमेरिका अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहता है। जर्मन को और रशिया को और रूस को ये जो भी पट्टी है ना उधर की पूरी जो इनके इत्तेहादी थे जापान वगैरह ये लोग ये सारे इनको कहते हैं कि भाई ये सेकंड वर्ल्ड कंट्री है। अच्छा अपने आप को वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड है, वो अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड, इस पे इख्तलाफ है, ये इसको कहता है कि तू सेकंड वर्ल्ड है, ये उसको कहता है तू सेकंड वर्ल्ड है, हम फर्स्ट है, कि कौन कितना लड़ाकू है ना मेयार इस पर डिसाइड किया हुआ है। अच्छा हम जो जिन्होंने उस जंग में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने उस जंग में हिस्सा नहीं लिया उसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है अच्छा तो इस पे किसी का इख्तलाफ नहीं है, इस पे सब मुत्तफिक है कि जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो सारे थर्ड वर्ल्ड हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ऊपर ईरान इराक वगैरह सऊदीया। ठीक है चाइना भी शायद नहीं था, चाइना भी थर्ड वर्ल्ड है, तो ये सारे थर्ड वर्ल्ड हैं। अच्छा तो इसको मेरे ख्याल में इसको अपोजिट होना चाहिए, इसको अपोजिट ये होना चाहिए कि जो हिस्सा नहीं लिया ना वो फर्स्ट वर्ल्ड होना चाहिए, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं इस वक्त। अच्छा लेकिन दुनिया के लोगों की नफ्सियात, लोग फर्स्ट वर्ल्ड किसको समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा लड़ाकू था उसको समझते हैं। नतीजतन क्या हुआ कि अंग्रेज़ी चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड है, अच्छा ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि अमेरिका जीता है, ज़्यादा लोगों का, क्योंकि अमेरिका ने बम मार दिया था और वो पूरा तबाह कर दिया, उसकी पूरी दुनिया में फुटेज गई तो लोगों को लगा कि यार अमेरिका जीता है। ठीक है तो रियलिटी क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि जंग में कोई जीतता नहीं है, जंग में ना तबाही होती है, जीत हार का कोई सीन नहीं होता, जंग हुई है तो तबाही है ख़त्म हो। जंग में हारना जीतना क्या है, इधर ने एक मिसाइल उधर मार दिया, एक मिसाइल दोनों की तबाही हो गई, अब एक बोलेगा मैं जीता हूँ, अबे कहाँ से जीता है भाई, बंदे मर गए तुम्हारे भी, जीता हूँ, तो जीत हार का कोई सीन, लेकिन लोगों को ऐसा लगा ना कि अमेरिका जीत गया। तो अच्छा फिर अमेरिका में गोरे लोगों ने अपनी ज़ुबान पर बहुत मेहनत की है, तो ये दो फैक्टर हैं इस वक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान के पीछे, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज है, दूसरा
इन्होंने मेहनत बहुत की है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको बुक्स में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के जो लोग अमेरिका के सख्त दुश्मन हैं उनको छोड़ के, वो तो ज़ाहिर है इंग्लिश को प्रमोट नहीं करेंगे। चाइना में भी जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं थोड़ी बहुत, पहले नहीं पढ़ाते थे, अब वो भी पढ़ाने लग गए। इंडिया में आपके जितने भी सऊदी वगैरह कंट्रीज़ हैं, ऊपर लेबनान वगैरह की जो पट्टी है, सब में अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कोने में आप चले जाएं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो यूरोप हो, फ्रांस हो, कहीं भी रशिया तक के अंदर भी ना, हर बंदे को किसी ना किसी लेवल पे अंग्रेज़ी आती है। अच्छा, रशिया में और फ्रांस में लोग थोड़े कमीने हैं, आप उनसे जाके अगर इंग्लिश में कुछ बोलेंगे ना, उनको समझ में आएगी भी ना, तो वो भी दगड़ दगड़ करके बोलेंगे कि नहीं समझ आएगी। थोड़े उनके अंदर है एक जेलसी है अमेरिका को लेकर, ठीक है, कि अंग्रेज़ी में बात करना पसंद नहीं करते, आती उनको भी है लेकिन। तो दुनिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं जिसमें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी ना आती हो। वही बंदा जब अपवर्क पे और फाइवर पे आएगा ना काम करवाने के लिए कि भाई मेरा काम कर देंगे, तो अंग्रेज़ी में सही बात करेगा। लेकिन जब वो उसके पान के खोखे पे जाके पान भी मांगेंगे ना उससे, आप पान तो नहीं खाते, बोलो सिगरेट वगैरह या कुछ आप लेने गए, आपने बोला उसको अंग्रेज़ी में कुछ, तो वो ना इशारों में बोलेगा, इतने कमीने, जेलसी है अमेरिका के खिलाफ। अच्छा, तो कुल मिला के पता ये चला कि इस वक्त धंधे की ज़ुबान ना अंग्रेज़ी है। धंधे की ज़ुबान क्या होती है कि भाई जहाँ पे आप बिज़नेस करने जाएँ, ज़ाहिर है दूसरी कंट्री में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे सिटी में, तो वो ज़ुबान उनको आती हो। पाकिस्तान के अंदर धंधे की ज़ुबान क्या है? उर्दू है। आप पेशावर चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, उर्दू सबको आती है, धंधे की ज़ुबान उर्दू है। जिस बंदे को उर्दू नहीं आती, जो अभी पठान आया था जो थोड़ी देर पहले चाय देकर गया, उसको उर्दू नहीं आती, दो तीन दिन पहले वो आया, उसको मैंने फ़ोन ही किया था उसका, मैंने फ़ोन करता हूँ वो लेकर आ जाता है, तो जब यहाँ पे रखा ना उसने, तो मैंने उसको बोला यार बहुत शुक्रिया, तो वो पलट के मेरे पास आ गया, कह रहा है यार क्या मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया, तो वो सारे हंसने लग गए बच्चे। तो मैंने उनको बताया कि यार ये अभी आया है, नया नया आया है, इसको उर्दू नहीं आती, तो उसको मैंने समझाया मतलब कुछ ना कुछ करके कि भाई मैंने आपको शुक्रिया बोला है, थैंक यू बोला है। अच्छा, शुक्रिया उसको समझ नहीं आया, थैंक यू समझ आ गया उसको भी, ठीक है। जब मैंने उसको बोला ना कि थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू, और थैंक यू, ओके, ठीक है, क्योंकि भाई उसकी मादरी ज़ुबान पश्तो है, उर्दू थोड़ी है, उर्दू सीखने में टाइम लगेगा, इंग्लिश उसको भी लेकिन आती है थोड़ी बहुत, हाँ, नेटो वालों से सीख ली होगी, हो सकता है फ़ौजियों से भी बात करनी पड़ती है। तो अब हमें करना क्या है, पाकिस्तान में धंधा करना है तो क्या सीखनी है? उर्दू। पूरी दुनिया में धंधा करना है तो क्या सीखना है? इंग्लिश। अब भाई इतनी इंग्लिश की हमने फजाइल तो सुन ली है, आएगी कैसे ये सब में? बड़ा हाथी तो पूरा पार हो गया, दुम अटक गई है और वो बिल्कुल फिक्स हो गई, लॉक हो गई है दुम, वो दुम निकल नहीं रही है, कि वो आएगी कैसे? ये समझने के लिए कि अंग्रेज़ी आएगी कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि उर्दू कैसे आई, कैसे आई उर्दू? हाँ, इन्वायरमेंट से आई, ठीक है। आप शायद आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है बचपन से, अच्छा, तो थोड़ा आपका लहजा पश्तो वाला है, पश्तो भी आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है, अच्छा, हैं आप पश्तो, लेकिन पश्तो पूरी नहीं आती आपको, पंजाबी हैं, अच्छा, तो पंजाबी आपको पूरी आती है, अच्छा, तो पहले पंजाबी सीखी थी या उर्दू सीखी थी? पहले उर्दू सीखी थी, क्योंकि उर्दू बोलने वालों के बीच में रहता है। तो हमें पता क्या चला, देखो मैं उर्दू बोलने वाली फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है, अच्छा, उर्दू मैंने सबसे पहले सीखी, कैसे सीखी? उर्दू बोलते थे घर में सब, सुन के सीखी। इसका जवाब ये कि सुन के सीखी। इंसान की जो लर्निंग की जो स्किल है ना, जो कॉग्निटिव है, जो परसीव करता है इंसान, वो तीन तरह से करता है, देख के करता है, सुन के करता है, और पढ़ के करता है, रीड करके। तीन है ये जो कॉग्निटिव, जिससे बंदा परसीव कर रहा होता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने अंदर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का जो बंदा देखता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का जो बंदा देखता है। मिसाल के तौर पे हमारी जब मोहल्ले में ज़िंदगी में पहली बार एक सर्कस वाले आए और वो क्या कहते हैं साइकिल पे हाथ छोड़ के वो डांस कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत अजीब मंजर था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैंने देखा था। बहुत लंबी याददाश्त होती है जो चीज़ बंदा देख लेता है एक बार,
उसके बाद सेकंड होता है सुनने का, जो चीज़ आपने सुनी है ना, मिसाल के तौर पर गाने वगैरह शायरी है सुनता है इंसान, सुन के वो याद हो जाती है। ऑन अदर हैंड जो पढ़ी हुई चीज़ है उसका इम्पैक्ट सबसे कम होता है, लेकिन इम्पैक्ट उसका भी बहुत होता है। तो सीखने के ये तीन ही तरीके हैं, देख कर, सुन के या पढ़ के। अब उर्दू जो बच्चा जो सबसे पहले सीखता है ना, जो वो कैसे सीखता है, वो सुन के सीखता है, क्योंकि पढ़ तो सकता नहीं है, वो पढ़ा तो नहीं होगा ना, छोटा बच्चा कोई पैदा होता ही पढ़ के तो नहीं सीखा होगा उसने, बोल के सीखा है, सुन के सीखा है उसने। अच्छा, और थोड़ा बहुत देखता भी रहा है, थोड़ा बहुत देख भी रहा होता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसको आई कॉन्टैक्ट का पता नहीं होता। आप उसको ऐसे देखेंगे ना फ्रंट से, तो वो आपकी आईज़ में नहीं देखेगा, जब बिल्कुल एक महीने 15 दिन का जब होता है वो, तो उसको 2-3 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को समझने में कि ये जो हेड है ना, हेड ये आई कॉन्टैक्ट इससे करना है, इससे करना है, ये मतलब बिल्कुल नहीं आया ना वो इस दुनिया में। उसको ये नहीं पता है कि किसी बंदे से जब बात करते हैं तो उसकी आंखों में देख के करते हैं, उसको ये पता ही नहीं होता। तो उसको ये फिगर आउट करने में 2-3 महीने लगते हैं बच्चों को, ये ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आपके खानदान में कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, जब उसको गोद में लेंगे ना वो सर वर को यहाँ वहाँ देखेगा, आप उससे जब बात करेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, उसको पता नहीं होता है कि यार देखना कहाँ। अच्छा, जब वो एक बार ये सीख जाता है ना कि यार इधर देखना है, होंठ हिलते हैं उसको पता चल जाता है अच्छा आवाज़ यहाँ से आ रही है, फिर वो सुनता है और सुन के सीख जाता है। कितने दिन में सीखता है एक बच्चा, कितने दिन में बोलना शुरू कर देता है? 1 साल में। कितने लोगों का ख्याल है 1 साल में बच्चा बोलना शुरू कर देता है? कितने लोगों का ख्याल है कि 2 साल में बोलना शुरू कर देता है? और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं बता देता हूँ, मैं डेटा दे देता हूँ। देखो, 1 साल में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, अगर बच्चा नॉर्मल है तो 1 साल में वो, लेकिन 1 साल में वो बोलता क्या है? बाबा, मामा, बस। इसके आगे उसको समझ नहीं आता, ठीक है, अपना उसका नाम बोलते हैं तो वो पलट के देखना शुरू कर देता है, इतना पता चल जाता है उसको 1 साल में, ठीक है, शायद अपना नाम बोलना भी शुरू कर दे। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा बच्चों से ना बातें करने वाले होते हैं, बहुत सारे भाई बहन कज़न वज़न होते हैं, तो वो और जल्दी बोलता है, वो हो सकता है शायद 1 साल में वो पानी वानी मांगने के लिए भी बोलना शुरू कर दे, मुझे पानी चाहिए। 2 साल में ऑन अदर हैंड बच्चा प्रॉपर कन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है, 2 साल का जो बच्चा है ना वो प्रॉपर कन्वर्सेशन करना शुरू कर देता है कि भाई कौन से स्कूल में पढ़ते, यानी स्कूल का नहीं है, बोलेंगे आपके अब्बू का नाम क्या है, तो वो बताता है अब्बू का नाम अब्बू है, सही है, आप कहाँ रहते हो, आपकी दादी कौन है, तो बोलेगा वो दादी है मेरी, इतना वो बोलना शुरू कर देता है 2 साल में। तो अब हम इससे हमें पता क्या चला कि कोई भी ज़ुबान अगर सीखनी है तो वो कम से कम 2 साल लगेंगे उसमें सुन के, इसमें किसी को कोई शक? अच्छा, अंग्रेज़ी सीखने में या कोई भी लैंग्वेज सीखने में ना सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं, हम चाहते हैं 2 दिन में आ जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। अच्छा, तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं पैदा हुआ उर्दू बोलने वाली फैमिली में। अच्छा, उसके बाद जब मैं 4-5 क्लास में जब मैं पहुंचा, तो मेरी मोहल्ले में जाहिर है फिर दोस्तियां हो जाती हैं, तो मेरी दोस्ती पंजाबी लोगों से हो गई, पंजाबी दोस्त वहाँ पे रहते थे कुछ, तो मेरी वो पंजाबी लड़कों से दोस्ती हो गई। अब मैं उनके साथ बैठने लगा रोज़ 2-2, 3-3 घंटे, ट्यूशन भी वो साथ में जाते थे, तो उनसे मैं पंजाबी सीख गया। लेकिन कितने साल में सीखा? 5 साल में। अभी मुझे पूरी पंजाबी आती है, समझ में भी आती है, बोलता भी हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर मेरी सिंधी लोगों से दोस्ती हो गई, सिंधी लड़कों से, जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा मैं तो वहाँ पे सिंधी लड़के थे, उनसे दोस्ती हो गई, तो मैं सिंधी बोल नहीं पाता लेकिन समझ पूरी लेता हूँ, ठीक है, बोलने में वो एक्सेंट नहीं है मेरा सिंधी का, लेकिन समझ लेता हूँ, क्योंकि उनके साथ हम बैठते थे कितनी देर? 2 घंटे। यूनिवर्सिटी के बाद कभी बाहर निकल के कुछ खाने पीने बैठ गया 2 घंटे या 1 घंटा, कितने दिन? हफ्ते में 2-3 दिन, तो इससे समझ पूरी लेता हूँ। अच्छा, अंग्रेज़ी में ये चीज़ कहाँ से लाए? अंग्रेज दोस्त किसी तरह ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ से मिलेंगे अंग्रेज दोस्त? नेटफ्लिक्स से मिलेंगे, ठीक है, नॉट नेटफ्लिक्स एग्जैक्टली, नेटफ्लिक्स की अभी वो नहीं हो रही बात, यूट्यूब। कॉमेडी देखते हो ना यूट्यूब पे सारे, कपिल शर्मा देखते हो गए, नादिर अली दीदी देखो, नादिर अली को चेंज करो, ठीक है, फ्लफी लिखो जाके, गोरे को कॉमेडी देखो, गोरों की,
कोई भी शो देखते होगे ना, मूवी देखते होगे, मूवी उर्दू वाली मत देखो, अंग्रेजी वाली देखो, ठीक है। हॉलीवुड बहुत अच्छी मूवी बना रहा है नस्बता इन लोगों ने, इंग्लिश वाली देखो, सब टाइटल के साथ देखा करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मूवी देखो, जो नहीं देखता वो ना देखे, वो कोई कन्वर्जेशंस होती हैं, बहुत सारी इस्लामिक कन्वर्जेशन इस्लामिक चैनल्स हैं, वो अंग्रेजी में कन्वर्जेशन करते हैं, पॉडकास्ट है, बहुत सारे तरीके हैं। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि आपको अंग्रेजी सुननी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ये किताबों से अंग्रेजी नहीं सीखेंगे आप। कुछ लोग सीख भी जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ होते हैं, चालाक होते हैं, मेरा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पढ़ के सीखता ना, मुझे ज़िंदगी में आज तक टेंस समझ में नहीं आए। टेंस पढ़ाते थे ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है, क्या बकवास है, इसमें ये फार्मूला लगा दो, ये लगा दो, पता नहीं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैंने क्या बकवास है। तो मुझे पढ़ा पढ़ा के थक गए स्कूल में ट्यूशन में, मुझे ज़िंदगी में आज तक टेंस नहीं आया, लेकिन अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ पूरी। कैसे आई? ये इन्हीं टीवी से, यूट्यूब से, ड्रामों से, इन्हीं से आई है। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ कि मैंने हिंदी फिल्मों से तौबा कर ली। अगर फिल्में देखता हूँ तो ब्लॉकबस्टर बहुत सारी आई हुई है, हॉलीवुड वो देखता हूँ। अगर कॉमेडी देखता हूँ तो कपिल शर्मा को देख लेता हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी सारे जो है वो अंग्रेज़ी ही देखता हूँ, फ्लफ़ी सबसे ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है। बहुत सारे वो एक अरबिक है, अरबी लड़का है, वो भी अंग्रेज़ी में चल रहा होता है। तो यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते हैं पढ़ाई करने के गर्ज से। तो भाई अंग्रेज़ी सुनोगे तो अंग्रेज़ी खुद ही आ जाएगी, लेकिन आएगी कितने साल में? 2 साल में। अभी ये आपका कोर्स शुरू हुआ है, अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, इंशाल्लाह जब ये कोर्स ख़त्म होगा ना तो अंग्रेज़ी सीख जाओगे, ठीक है। आधा घंटा बचा है हमारे पास, कुछ तो पढ़ ही लें यार। नहीं नहीं पता तो लगा है भाई, मुझे तो पता लगा है। जी दोस्त, नीचे से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये मिराज वो दिखा नहीं रहा असल में उस पेज पे। ये तुमने बनाया है? किसने बनाया? अच्छा, इसमें असल में उस पेज के ऊपर ना, जाहिर है हर पेज पे ये पूरा नेविगेशन बार है ना, तो हर पेज पे उसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से। व्यू पेज सोर्स करोगे ना, पूरा कोड आ जाता है, ठीक है। देखो अभी कौन से पेज पर हूँ मैं, प्रोडक्ट्स की पेज पर हूँ, तो प्रोडक्ट्स की पेज के ऊपर ये पूरा जो नेविगेशन बार है, ये देख रहे हो, एक का मेरा कलर ऑरेंज 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 और एक का ग्रीन। ग्रीन कौन सा वाले का? प्रोडक्ट्स वाले का, समझ गया ना कैसे। अब दूसरे पेज पे ये किसी और पे ग्रीन होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही अप्रोच है कि जब आप खुद बना लेना, तो यहाँ पे जो शेयर करवाता हूँ उसका मेन मकसद भी यही है कि आपस में एक दूसरे का कोड आप देखा करेंगे, कौन कैसे क्या कर रहा है। अब इससे आपको एक आइडिया मिला होगा, ठीक है, बाकी लोगों को शायद इनके काम से कोई आइडिया मिले, तो आइडिया ऐसे शेयर करने से बढ़ता है। अच्छा, लास्ट क्लास में एक चीज़ हमारी रह गई थी कि भाई ये तो एंकर टैग बन गया था वो वाला, कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है। अगर मुझे ऐसा एंकर टैग बनाना है जो बिल्कुल नई किसी दूसरी वेबसाइट पे, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे जाना है, कुछ लोगों ने बना के भी डाल दिया है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों तो ने जाहिर ही नहीं बनाया, तो उसके लिए मैं वो काम कैसे करूँगा? वो काम मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ पर मैं /services.html लिखने के बजाय पूरा URL लिखूँगा। मैं कहूँगा https://sysborg.com, ठीक है, air.sysborg.com, ठीक है, और मैंने लिख दिया गो टू एयर सिसबॉर्ग, ठीक है। एयर ऑफिस बॉर्ड। अच्छा, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये मुझे किस तरह का दिखेगा, चला के देख लेते हैं। कॉपी पाथ करने के बाद मैंने इसको ओपन कर दिया यहाँ पे। अब ये जो बटन बना हुआ रहा है गो टू एयर ऑफिस बॉर्ड, ये मेरा टेक्स्ट है जो मैंने टैग में लिखा है, और इसके ऊपर जैसे ही मैं हाथ रखता हूँ तो आप नोट करें पेज के बिल्कुल कोने में एक छोटा सा ब्लैक कलर का मुझे दिखा देता है कि इस पेज पर लिंक क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम इन कर सकूँ,
अच्छा जूम इन करूँगा तो बहुत नीचे चला जाता है। तो इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये उस वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा, मेरी वेबसाइट को छोड़ देगा। अच्छा एक सिचुएशन और हो सकती है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये इस वेबसाइट को छोड़े नहीं, क्लिक करूँ तो नए पेज में खुले, ठीक है, मैं क्लिक करूँ इसको तो ये नए पेज में खुले, तो वो काम मैं कैसे करूँगा? चलते हैं बुक में और बुक में ज़रा तलाश करते हैं कि ये काम बुक में कैसे बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, हमने जो पढ़ा है अभी अच्छा हमने जो भी पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, लिंक टू द अदर पेज ऑन द सेम वेबसाइट। हमने जो अभी कल तक की क्लास में पढ़ा था कि एक ही वेबसाइट की किसी मुख्तलिफ पेज को मैं नेविगेट करना चाह रहा हूँ, इसके फौरन बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सही है, ये पूरा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो। अच्छा अभी मैंने क्या किया, एक वेबसाइट का यूआरएल लगाया था लेकिन मेरे पास क्या हो रहा था, सेम विंडो पे खुल जा रहा था, मेरी वेबसाइट गायब हो जा रही थी, ठीक है, किसी और वेबसाइट पे मूव करके चला जा रहा था। इसको ना थोड़ा एथिकली सही नहीं समझते, वेब की दुनिया में अगर आप कोई वेबसाइट सर्व कर रहे हैं और आपने किसी बटन पे क्लिक किया और जो वेबसाइट पे आप थे वो खत्म हो गई, उसी जगह पे कोई दूसरी आ गई, तो उसको थोड़ा सही नहीं समझते, तो होना ये चाहिए कि वो नए टैब में ओपन हो रही हो। मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर नीचे कॉन्टैक्ट के सेक्शन में फेसबुक का बटन है, वो दबाने से नए टैब में खुलना चाहिए फेसबुक, उसी टैब में नहीं खुलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या करेंगे आप, टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक करके ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं अपने कोड में जाके टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक लगा देता हूँ, टारगेट इक्वल्स टू अंडर स्कोर ब्लैंक, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं इस वेबसाइट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये नए टैब में ओपन होगा, मेरी वेबसाइट अपनी जगह है, ये न्यू टैब में ओपन हुआ है। अच्छा तो ये हम सीख गए, सेम वेबसाइट पे लिंक लगाना और एक्सटर्नल वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट पे लिंक लगाना, दोनों सीख गए। अब वापस आते हैं और यार ये क्या हुआ है, कोड को मुझे रखना है सबसे इस तरफ रखना है, ठीक है, बुक सबसे पहले, कोड है फिर वेबसाइट। यार कोई कर दो शेयर प्लीज, व्हाट्सएप पे शेयर, व्हाट्सएप पे हो तुम लोग, व्हाट्सएप पे अगर कोई नहीं है तो वो प्लीज किसी से लिंक शेयर कर ले, ज्वाइन हो जाओ। अच्छा अच्छा उसके अलावा ना एक लिंक और भी होता है, ईमेल का लिंक, ठीक है, एक लिंक और होता है ईमेल का, ईमेल का लिंक ही होता है। मैंने मिसाल के तौर पे एंकर टैग लगाया और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, malik@sysborg.com, राइट, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये मेरी ईमेल है। तो अब इस ये ईमेल वेबसाइट तो वेबसाइट होती है, क्लिक किया विजिट कर लिया, ईमेल पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ईमेल पे क्लिक करने से ये होना चाहिए कि जीमेल खुल जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैं अपना ईमेल लिखने से पहले क्या लगाऊंगा, मेल टू उसके बाद कॉलन उसके बाद malik@sysborg.com, सेव, ठीक है। अब जरा आके देखते हैं कि क्या हुआ, ये ईमेल लिखी हुई है, इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा मैं तो जो भी मेरे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ईमेल का जो होगा वो खुल जाएगा। मेरे सिस्टम में इस वक्त ईमेल की कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो इसने गूगल क्रोम ने इंटेलिजेंटली मेरा जीमेल ओपन कर दिया क्योंकि जीमेल लॉगिन हुआ हुआ था, ठीक है। न्यू ईमेल लिखने का बटन आ गया और उसमें एड्रेस में ये लिखा हुआ भी है पहले से, सब्जेक्ट लिखूंगा मैं और सेंड करूंगा तो वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बुक में आपको बताया गया है इस तरह करके मेल टू, कुछ एक दो लोगों ने मैंने देखा ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, किसने इम्प्लीमेंट किया ये, आपने किया है, गुड यार, बाकी लोग भी प्लीज़ उसको करके देखिएगा। न्यू विंडो देख लिया हमने,
लिंक टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि आप क्लिक करते हैं ना तो आपको वो स्क्रॉल करके नीचे लेके चला जाता है सेम वेबसाइट पे. वो काम कैसे करेंगे आप? वो काम आप ऐसे करेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे इस आइटम वन पे लेकर जाना है, ठीक है, आइटम वन पे मुझे लेकर जाना है स्क्रॉल करके किसी बटन के क्लिक पे. तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसमें पहले मैं BR लगा दूँ, ठीक है. BR से क्या होगा, थोड़ा वो लाइन ब्रेक करके आएगा. और मैंने यहाँ पे लिखा A, ठीक है, और इस A के अंदर मैंने लिखा गो टू, क्या नंबर है, स्टेप 3. जस्ट कोई भी मैंने टेक्स्ट लगा दिया, गो टू स्टेप नंबर 3, जो भी मेरी रेसिपी है उसके जो स्टेप नंबर 3 पे मुझे जाना है डायरेक्टली. अब इसके href में मैं क्या लिखूंगा, href में मैं लिखूंगा हैश, ठीक है, और स्टेप 3. अब ये स्टेप 3 क्या चीज़ है? स्टेप 3 उस एलिमेंट की आईडी है. अब उस एलिमेंट को जाके मुझे आईडी असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है. मैं गया स्टेप 3 जो था ना मेरा 123, इसमें 123 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं स्टेप बना देता हूँ, ठीक है. टेक्स्ट थोड़ा सा मैंने चेंज करके ताकि अच्छा लगे. स्टेप 3 को मैंने क्या देना है, मैंने देनी है आईडी. और आईडी क्या होनी चाहिए, ये सेम वही आईडी होनी चाहिए जो ऊपर मैंने एचआरएफ के अंदर लिखी है. स्टेप 3 मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे भी उसमें हैश नहीं लगेगा, ठीक है. मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर आके, और रिफ्रेश करके गो टू स्टेप 3 पे क्लिक किया, जैसे ही मुझे लेकर नीचे चला गया, सही है, सेम पेज पे स्क्रॉल करने का ये काम आ गया. ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है कोड, आप इसको बुक से देख के इजीली कर सकते हैं, ठीक है. ये पूरा कोड है, इसको आप चला कर देखिएगा. अच्छा, बाय द वे, इस बुक का टेस्ट भी होगा आपके, और जो बंदे ने बुक पढ़ी नहीं होगी ना वो टेस्ट में पास नहीं हो सकता, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है. बुक को पढ़ना है आपको, ये जो एक एक एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल को चला के देखना है. अभी तक मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं आया है कि सर बुक की फलां एग्जाम्पल मैं चला रहा था उसमें ये इशू आ रहा है, एक भी सवाल मेरे पास ऐसा नहीं आया. तो इससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी बुक नहीं पढ़ रहा, ठीक है. तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, अब 4 चैप्टर आपके हो गए ना, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है. 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे टोटल, उसके बाद आपका टेस्ट होगा. तो ये वीक तो ख़त्म हो गया इंशाल्लाह, अगले जो अभी 3 क्लासेस है उसमें हम 4 चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. जैसे ही आपका ये 8वां चैप्टर ख़त्म होगा उसके 2-3 दिन बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे होगा सैलानी में, जैसे एंट्री टेस्ट हुआ था सेम उसी तरह होगा. तो अच्छा, टेस्ट में अगर फेल होते हैं बच्चे तो उनको एलिमिनेट भी कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आपको एलिमिनेट भी नहीं होना है इस कोर्स, ठीक है ना. तो टेस्ट को पास करना है और अच्छे नंबर से पास करना है, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि अभी कोर्स आपका बिल्कुल स्टार्ट हुआ है. अभी अगर आपको इम्प्रेस करना है ना तो अपने इसी स्कोर से इम्प्रेस कर सकते हैं आप, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो फिर प्रोजेक्ट्स दिए मिलेंगे ना आपको, वो प्रोजेक्ट्स में बनाया कि आपने वो मैटर करेगा, ये नहीं मैटर करेगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. पढ़ना तो खैर जब भी पड़ेगा आपको, वरना प्रोजेक्ट वैसे भी नहीं बन पाएगा पढ़े बगैर. तो अभी आपका जो टेस्ट होगा ना इस बुक का, जिस बंदे ने बुक पढ़ी नहीं होगी, रीड नहीं किया होगा वर्ड बाई वर्ड, वो उस टेस्ट में पास नहीं हो सकता, ठीक है. तो प्लीज़ बुक को पढ़ा भी करें, और जो उसमें एग्जाम्पल बनी हुई है उसको बनाएं अपने हाथ से, और कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो मैं बैठा हूँ. अच्छा, लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज. मैं मिसाल के तौर पे होम पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज में जाके उसके एक स्पेसिफिक पार्ट पे जाए, तो वो कैसे होगा? ये कोड आ गया उसका, ठीक है, ये कोड आ गया उसका. मैं क्या करूँगा, जो स्लैश के बाद जो है ना, जो भी मैंने लिंक लगाना है उसके आगे मैं हैश लगा दूंगा. एक अगर करके देख लेते हैं इसको, मिसाल के तौर पे ये होम है, ठीक है, ये होम पे खड़ा हुआ हूँ मैं, मुझे अबाउट पे जाना है, और अबाउट पे जाके मैं चाहता हूँ कि खास जगह पे चले जाए. तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए H1 को ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि अदरवाइज वो स्क्रॉल होगा नहीं ना पेज पर, ठीक है. और मैंने कह दिया कि भाई इसकी आईडी क्या है, एक नीचे जाके किसी एक को मैंने आईडी दी कि स्पेसिफिक H1 SP H1, कि ये एक स्पेसिफिक H1 है जिस पे मैं जाना चाह रहा हूँ. और यही आईडी मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे लगा दूँगा,
ठीक है, गो टू स्पेसिफिक एच वन, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर देना है, ये सिर्फ एस पी एच वन से काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अबाउट और उसके बाद एस पी एच वन, सही है, समझ में आया ये? अब देख लेते हैं आगे भाई इसको रिफ्रेश करके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू एस पी एच वन लिखा हुआ है, सही है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ना सिर्फ मुझे अबाउट के पेज पे लेके जाए बल्कि उस स्पेसिफिक हेडिंग पे लेके चले जाना चाहिए, ठीक है। देखो पेज का स्क्रॉल यहाँ देख रहे हो नीचे आया हुआ है, बल्कि इसका मैं टेक्स्ट भी कुछ चेंज कर देता हूँ, ऐसे पता नहीं चल रहा, दिस इज स्पेसिफिक एच वन, स्पेसिफिक की स्पेलिंग मैंने गड़बड़ की है लेकिन खैर, स्पेसिफिक एच वन देखो यहाँ पे लेकर आ गया मुझे ऑटोमेटिक, हालांकि पेज खुलना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये हैश लगा हुआ होने की वजह से आखिर में मुझे कहाँ लेकर आ गया, ये मुझे एक स्पेसिफिक जगह पे लेकर आ गया। अच्छा भाई ये पता चल गया हमें, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, ये चैप्टर के लास्ट में जो ये लगा हुआ है ना पूरा, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको अपने हाथ से करनी है। अच्छा उसके अलावा शुरू में भी एक यहाँ पे ना मूवी करके एक बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये वाला जो है पूरा पूरी वेबसाइट है ये आपके पास अगली क्लास में ना बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है, सब लोगों का मैं चेक करूँगा, ये एग्जैक्टली जो ये चीज़ इन्होंने बनाई हुई है ना एग्जैक्टली यही चीज़ आपके पास बनी हुई होनी चाहिए अगली क्लास में, ठीक है। इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसी तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है आपने, सही है। अच्छा जी अब हम चलते हैं अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर में चल के ना थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या सीन है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इमेजेस। अच्छा काफ़ी सही टॉपिक है भाई इमेजेस, हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेज, इमेज को किसी भी वेबसाइट पे लगाया कैसे जाए इन द फर्स्ट प्लेस, वो इसमें बताया जाएगा आपको। बहुत सारे आप में से लोगों ने इमेजेस पहले से लगा लिया है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया जिनको नहीं समझ आया वो अभी यहाँ सीख जाएंगे होपफुली। चूजिंग द राइट फॉर्मेट, के इमेज तो लगाना है लेकिन इमेज तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स की होती है, जेपीजी होती है, पीएनजी होती है, ठीक है, अलग अलग डीपीआई होता है उसका, तो क्या कैसे करके हम करेंगे भाई। ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर द वेब, इमेजेस को वेब के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करें, ठीक है, क्या ऐसी, क्योंकि इमेज तो समटाइम 5-5 MB 6-6 MB की होती है, तो ऐसा क्या करें कि इमेज की क्वालिटी भी ना गिरे और वो उसका साइज़ भी कम हो जाए, क्योंकि वेब जाहिर है ऑन ओवर द इंटरनेट चीज़ उठकर आ रही है, तो साइज़ में जितना कम होगी उतनी जल्दी से आकर लोड होगी आपके सामने, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे उसकी की जाए, तो ये तीन चीज़ें हमारा पॉइंट होगा इस चैप्टर के अंदर। अच्छा ये इन्होंने ना एक वेबसाइट बनाई हुई है अपने क्या कहते हैं बुक के स्टार्ट में ही, ये वेबसाइट भी आपके पास बनी हुई होनी चाहिए अगली क्लास में, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक इमेज लगा हुआ है, वो तो आज आप सीख जाएंगे इमेज लगाना, तो दो असाइनमेंट हो गए आपके नेक्स्ट क्लास के, और दोनों होस्टेड होने चाहिए गिटहब में, एक पहले मूवी वाला सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, और इसका ये जो ऐप बनी हुई है इसमें 2-4 सिर्फ इमेजेस लगी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ये इमेज का हिस्सा है, वो इमेज में ही बॉर्डर है, हाँ वो इमेज है, वो जो लिखा हुआ है ना फ्रॉम ए टू जेड वो इमेज है एक्चुअली। अच्छा चूजिंग इमेजेस फॉर योर वेबसाइट, इमेज उठाएं तो कहाँ से उठाएं, अ पिक्चर कैन से अ 1000 वर्ड, अ ग्रेट इमेज हेल्प मेक डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज लुकिंग साइट एंड अ रियली एंगेजिंग वन, कह रहे हैं भाई एक पिक्चर जो होती है वो 1000 वर्ड्स के इक्वल होती है, ठीक है 1000 वर्ड्स के, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये एक पिक्चर है, ठीक है 1000 वर्ड के इक्वल है ये। अच्छा वॉच, अभी वॉच के अंदर आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ नीचे,
वो पिक्चर बहुत कुछ बोल रही है। अभी आ जाओ भाई नीचे आ जाओ यार, ये चीज चेक करें आप, ये पिक्चर बहुत कुछ बोल रही है। यहाँ पे तो खैर उतनी अच्छी क्वालिटी में शायद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रोजेक्टर थोड़ा सा उतना अच्छा वाला नहीं है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, 741, 152 हार्ट रेट, 96 कैलोरीज, और ये बंदा एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, थोड़े तगड़े जान वाला बंदा है, और ये कुछ एक्टिविटी कर रहा है बहुत हैवी किस्म की। ये पिक्चर देखो क्या कह रही है, इसको अगर पैराग्राफ में लिखे ना इस बात को, ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो शायद हमें दो पेज तो लिखना पड़ेगा कि यार हमारी घड़ी ऐसी, ये पिक्चर तो यही बोल रही है ना कि हमारी घड़ी ऐसी है कि बीच का जो फ्रेम है उसका वो अलग है और पीछे का जो बेल्ट है उसका वो चेंज हो जाता है। वो बेल्ट रबर में भी है, वो बेल्ट फैब्रिक में भी है, नायलॉन में भी है, सिलिकॉन में भी है, सब में है, वो अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है और वो सबके साथ मिक्स हो जाता है, सेम है बिल्कुल। तो ये मैंने इतनी सारी बातें बोली ना, वो पिक्चर बोल रही है और एक झलक में समझ आ रहा है देख के, ठीक है। देखो भाई इसने बता दिया कि इस तरह की दिखती है मेरी वॉच। मैं ये जो दिखा रहा है कि इस तरह की दिखती है वॉच, जब आप हेल्थ अपनी खोलेंगे तो ऐसी जब कॉल आएगा तो इस तरह की स्क्रीन होगी, जब कॉल जूलियाना मीजी करके किसी की कॉल आ रही है ऐसा होगा कॉल पे आते हुए। ये मैं लिख के बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, बहुत लंबी लिखाई करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा अच्छा वो वाली इमेजेस हटा दी हैं इसमें से शायद, जो मैं जिसके लिए मैं यहाँ पहुँचा था। पीछे चलते हैं हम, किसी और पे चलते हैं, एयरपॉड्स। मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर चलते हैं मजीद जानने के बारे में, एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन। ये मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ये और आगे जाता जा रहा है। देख रहे हो पूरा पिक्चर्स के जरिए, ये जो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ इसकी एक पिक्चर बनती जा रही है आपके जहन में, ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बेस हिट्स ऑल हाई, म्यूट एट ब्रीज, वीडियो कॉल पे भी हो जाती है बात इससे, ठीक है, कुछ दबाने से बटन प्रेस होता है यहाँ पे, ठीक है। वाटर के साथ घुमा के दिखा दिया कि भाई पानी से भी मसला नहीं है इसको। ठीक है इंस्टेंट कनेक्शन, कि आप ओपन करोगे और बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर में करके बता दिया आपको ये सारा कुछ। सही है, एआर में भी देख सकते हैं इसको भाई। अच्छा तो पॉइंट मेरा क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं खोलता हूँ, एप्पल वाले इस पे काम बहुत करते हैं, वेबसाइट्स पे, विजुअलाइजेशन पे, असल में मार्केटिंग के बंदे हैं ये टेक के बंदे बाद में मार्केटिंग के पहले हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं इसके ऊपर, बहुत ही एलिगेंट क्लीन और यानी एवरेज लुकिंग है ये वेबसाइट सही मानों में देखा जाए तो। कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कलर वलर नहीं मारे, ब्लैक और वाइट के अलावा कोई कलर ही नहीं है इसके अंदर, इस कलर दिख रहा है कोई ब्लैक और वाइट के अलावा, ये तो इमेज है पीछे जो पिंक कलर की है, अदरवाइज वेबसाइट में इनके कोई और कलर नहीं है, ब्लैक और वाइट ही है, ऊपर देखो पट्टी में पूरा ब्लैक है और वाइट है, कोई और कलर ही नहीं है। विजेट्स बनी हुई है, देखो इसमें भी कलर डाल सकते थे ना, नहीं डाला है, ये तो लोगो लगा हुआ है उसका है, इनके वीडियो कॉलिंग की ऐप है उसका लोगो है ये, लेकिन मेहनत इसी में इतनी मेहनत की है ना उन्होंने कि सब कुछ बोल दिया। स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। तो पॉइंट क्या है कि भाई पिक्चर इज़ अ थाउजेंड वर्ड, एक पिक्चर थाउजेंड वर्ड होती है। अच्छा कह रहा है कि इमेजेस से ही क्या होता है, एक एवरेज लुकिंग वेबसाइट और एक इंगेजिंग वेबसाइट में फ़र्क हो जाता है। अभी आपने देख लिया उसकी एग्जांपल, उसमें किच कुछ भी नहीं है वेबसाइट में, इमेजेस ही लगी हुई है सारी, बाकी तो टेक्स्ट काला और सफ़ेद है और कोई फॉन्ट भी सिंपल सा है, लेकिन इंगेजिंग है काफ़ी। तो इमेज कहाँ से उठाई जाए,
स्टॉक फोटो की ना ये वेबसाइट इसने बताई हुई है चार पांच, ठीक है। सबसे पहले पे क्लिक करते हैं आई स्टॉक फोटो डॉट कॉम, क्लिक किया इस पर आ गया मैं, कह रहा भाई यहाँ से उठाओ फोटो जो भी वेबसाइट पे लगाने के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए पिक्चर, किस चीज़ की चाहिए, लैपटॉप की चाहिए, लैपटॉप लिखा एंटर किया, ये आ गई भाई लैपटॉप की सारी पिक्चर्स, इसी तरह की चाहिए होती है ना वेबसाइट पे लगाने के लिए, सही है। और बताओ किस चीज़ की पिक्चर चाहिए, मोबाइल नहीं लैपटॉप हो गया ना, कुछ और फ्रूट्स बताओ, एफ आर यू आई टी एस, ठीक है फ्रूट्स, कभी कभी अगर आप किसी फ्रूट की शॉप के लिए कर रहे हैं तो कैसे फ्रूट आ गया बेहतरीन किस्म के, ठीक है इतने कलरफुल तो होते भी नहीं है फ्रूट जितने इन्होंने बनाया है, सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। गूगल सर्च पे भी इतने अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे मिल रहे हैं, गूगल सर्च पे क्या बनारस पे भी नहीं मिलेंगे इतने अच्छे फ्रूट, ये फ्री है। अच्छा एक और इन्होंने वेबसाइट बताया, पांच टोटल वेबसाइट ने, गेटी इमेज है, दूसरे पे चलते हैं गेटी इमेज पे, अभी देखते हैं इन पांचों में से फ्रूट किसका अच्छा है। फ्रूट उसी का अच्छा नहीं है, सेम फ्रूट आ रहे हैं दोनों में, अच्छा एक ही को डबल डबल नाम से बेच रहे हैं, ये फ्री नहीं है, अच्छा ये पेड है, एक मिनट बता रहा होगा ना ये कि फ्री वाली कौन सी है पेड वाली कौन सी है, ये गेटी इमेज तो फ्री होता था, अच्छा तो हम कोई फ्री वाला तलाश कर लेते हैं, unsplash.com ये आ गया ना फ्री वाला, ये सेम चीज़ है फ्री में मगर, अच्छा यहाँ पर से फ्रूट्स निकालते हैं, चलो भाई थोड़े फ्रूट की वैरायटी कम है इनके पास, ये वाले भी फ्री नहीं है, कंटिन्यू विद परचेजिंग, नहीं नहीं ना असल मसला है कॉपीराइट का, वो स्क्रीनशॉट में भी आएगा कॉपीराइट, फ़ोटो पे कॉपीराइट ऐसे है कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट करती है कि जिसने ये फ़ोटो खींची है ना, जिसने कैप्चर की है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो क्लेम कर सकता है, आपकी वेबसाइट उस कंट्री में बैन भी हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। कुछ ये तो पिक्चर्स चलो इतना ज़्यादा वो नहीं है, अभी जो कुछ पिक्चर्स हैं वो बहुत फेमस हैं, ठीक है, जैसे आपका जो विंडोज़ XP में पीछे एक ब्लिस करके आता था ग्रीन कलर का एक गार्डन, वो बहुत फेमस है, वो तो आप लगा ही नहीं सकते किसी वेबसाइट पर, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, वो ढूंढ नहीं लेते, क्रॉलर्स खुद तलाश कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, क्रॉलर्स को पता चल जाता है ना, गूगल का जो क्रॉलर है वो बता देता है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी क्रॉलर चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं मैं बता तो रहा हूँ जो क्या करती हैं, आप उसको अपनी ओरिजिनल इमेज दे दो, वो पूरी वेबसाइट में ढूंढती रहती है किसी ने इसको कॉपी तो नहीं किया हुआ, वो लिस्ट बना के आपको शाम को लेके दे देती है। हाँ बिल्कुल हटवा सकते हो, DMCA नोटिस होता है, वो जितने भी अमेरिका की कंपनी है वो सब DMCA को फॉलो करते हैं, वीडियो फोटो ऑडियो, आप यूट्यूब पर डाल के देख लो किसी की वीडियो कॉपी करके ठग उड़ जाएगी, तो बस इसी तरह होता है, यही प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिक्चर में भी है मसले हैं, ठीक है, लाइसेंसेस वगैरह कैंसिल हो जाते हैं, ISO की सर्टिफिकेशन वगैरह का कुछ इशू हो जाता है कि आपकी अगर कॉपी अगर पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे कोई ऐसी फ़ोटो लगी कि जो किसी और की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कल को वो बंदा निकल के आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, वो केस कर देगा, कहेगा यार 2 साल से फ़ोटो लगाया हुआ है इसने, इसको बोलो मुझे पैसे दे, वो पैसे ले के जाएगा, सही है। तो इस तरह की इनकन्वीनियंस से बचने के लिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा तो हमने देखा कि भाई कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से अगर फ़ोटो हम उठा के लगाएं तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा जी फोटो कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, बी रेलेवेंट, कन्वे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने दिखाया कि यार बंदा स्पोर्ट्समैन है
वो खड़ा हुआ है सुबह के वक्त कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि वो घड़ी पहनेगा ना बंदा तो एक्टिविटी भी कर सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है और उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग भी होती रहेगी हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इसको, क्योंकि शायद लोगों को लगता है ना एप्पल वॉच इतनी महंगी है अब उसको पहन के मैं दौड़ लगाऊंगा पानी तो ना, पानी चला गया उसमें तो वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, तो वो बता रहे हैं कि नहीं यार आप पहनो, स्वेट से कुछ नहीं होगा उसको, पानी से भी कुछ नहीं होगा, बता रहे हो, डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो कन्वे द इंफॉर्मेशन, कन्वे द राइट मूड, पिक्चर को ना राइट मूड कन्वे करना चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ, कौन सी खोली जाए, बच्चों की कोई वेबसाइट बताओ, बोना पापा है उनकी वेबसाइट, पैम्पर की कंपनी है वो, पोगो, एक बच्चा पार्टी करके यहाँ पे है, उनकी देखते हैं अगर वेबसाइट अगर हुई तो। हाँ है उनकी वेबसाइट यार, ये बच्चा पार्टी वालों की वेबसाइट है, मूड देख रहे हो क्या कन्वे किया इन्होंने, ठीक है, एक खास मूड कन्वे कर रहे हैं इस फोटो के जरिए। इनकी वेबसाइट वैसे कुछ खास अच्छी नहीं है जिस तरह से मैं सोच कर आया था यहाँ पे, टॉयज वेबसाइट मैंने लिखा, ठीक है, टॉयज वेबसाइट करके जो देखते हैं, जो सबसे वन टॉय स्टोर करके आया, देख रहे हो एक खास मूड कन्वे किया इसमें। कलर कैसे हैं इसके अंदर, प्रोमिनेंट कलर्स हैं, इसको कहते हैं प्रोमिनेंट कलर्स। अच्छा, टॉयज कैसे चाहिए आपको, एज 18 से 36 मंथ के बच्चों के लिए चाहिए, एंटर, इस पर गया मैं वेबसाइट पर, ये आ गया, ठीक है। कलर्स इसने कैसे रखे हैं, प्रोमिनेंट रेड कलर्स रखे हैं। अबे ये सारे फीके फीके क्यों आ रहे हैं यार उसमें, गेम की कोई वेबसाइट खोलते हैं, पोकी, असैसिन क्रीड, ठीक है, यूबीसॉफ्ट का ये असैसिन क्रीड एक ओपन किया है, I refuse cookies. एक खास मूड कन्वे किया है इस फोटो के जरिए, नोट करना। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर की अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें खूबसूरत सा कोई बंदा आपको दिखाना पड़ेगा, कोई एंड प्रोडक्ट के, यार इतने खूबसूरत हो जाएंगे आप इस ब्यूटी पार्लर से ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। अगर कोई मिसाल के तौर पर जे डॉट की वेबसाइट है तो उसमें आपको ना एक अच्छा सा बंदा अच्छा सा कुर्ता पहन के फोटो दिखानी पड़ेगी, केयर आप ना ऐसे लगेंगे यहाँ का कुर्ता पहन के, ठीक है। चश्मे की कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको मॉडल्स, अच्छे मॉडल्स, अच्छा सा चश्मा लगा के खड़े हुए होंगे, केयर हमारे चश्मे जो है ना मॉडल्स लगा लेते हैं और ऐसे लगते हैं लगने के बाद, ठीक है। तो एक मूड कन्वे करना है आपको। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर अगर ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है वहाँ पर आप उसको फीके फीके कलर दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा बंदे को, वहाँ पर आपको कुछ ना लिपस्टिक विपस्टिक टाइप के कुछ कलर दिखाने पड़ेंगे बैकग्राउंड में, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट पे अगर मैं ये असैसिन क्रीड टाइप का कुछ दिखा दूँ, या जो जैसे GTA वाला कुछ थीम अगर लगा दूँ मैं ब्यूटी पार्लर की दीवारों पे भी, अगर मैंने GTA वाला थीम लगा दिया, पिज़्ज़ा हट में जब जाते हैं पिज़्ज़ा शॉप्स में आमतौर पर, तो किस तरह का थीम होता है, डार्क थीम होता है वहाँ पर, ठीक है। अगर वो थीम ब्यूटी पार्लर के अंदर हो तो कैसा लगेगा, तो एक मूड होता है हर वेबसाइट का, हर पेज का, हर जगह का एक अलग मूड होता है, ठीक है। कोई ऐसी वेबसाइट है जो कफन दफन का ठेका उठाती है अगर, ठीक है, OLX टाइप की कोई वेबसाइट, मतलब कर रहे हैं भाई बहुत सारे, फूल घर भिजवाते हैं, तो इस तरह कफन दफन की वेबसाइट भी हो सकती है, होगी मोस्ट प्रॉब्ली, वही प्राडा है। अच्छा नहीं, प्राडा का कफन तो है, लेकिन कोई वेबसाइट है जहाँ पे आके आप साइन अप करते हो यार हमें कल जो है ना कफन दफन हमारा कर दें आके आप हमारे मूड, तो भाई जाहिर है उस वेबसाइट का एक मूड होगा खास, वाइट वाइट से कलर होंगे उसमें, ठीक है, फूल पत्तियाँ थोड़ी होंगी जो मुर्दे पर डालते हैं, उस तरह का मूड एक होगा और पीछे एक गमगीन माहौल होगा। अब उसके अंदर ना GTA वाली कार नहीं ला सकते हम, ठीक है, या असैसिन क्रीड वाला उसमें सॉल्ट नहीं दिखा सकते, तो एक मूड, राइट मूड कन्वे करना है। अच्छा,
लास्ट इसने कहा क्या कहा, बी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल, रिकग्नाइजेबल इमेज होनी चाहिए। अच्छा बाज़ अवकात कुछ होता है ना कि यार देख के समझ में नहीं आता ये है क्या चीज़। मिसाल के तौर पे अगर ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है तो उस पर ईजिली रिकग्नाइजेबल होना चाहिए कि एक लड़की है वो तैयार हुई भी है भाई, तैयार होकर वो ऐसी लग रही है। अगर जे डॉट है तो उसमें कमीज पहन के बद्दा पड़ा हुआ है। अभी उसमें आपने अगर ऐसा लगा दिया ना कि फोल्ड करके अनस्टिच कपड़ा फोल्ड करके पड़ा हुआ यूँ, तो वो शायद बंदा बोले पर पता नहीं शॉल है यार क्या, कमीज़ का कपड़ा है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो ईजिली रिकग्नाइजेबल भी होनी चाहिए इमेज, ऐसी इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। अच्छा फिट द कलर पैलेट, कलर पैलेट क्या होता है कि जैसे आपने एप्पल की वेबसाइट में देखा उनका कलर पैलेट क्या था कि ब्लैक और वाइट था, कोई दूसरा कलर नहीं था, ठीक है। तो कलर के पैलेट पे भी फिट होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पिछले दिनों पेंटर को बुलाया दीवार पेंट करने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि यार दीवार पे कोई सा भी कलर करा लो लेकिन जो कॉर्नर्स है ना, जो फॉल सीलिंग का जो कॉर्नर है उसको वाइट कर देना। मैंने कहा क्यों, कह रहा वाइट कलर में ना दीवार का कलर कुछ भी हो, छत का कलर कुछ भी हो, वो वाइट मैच कर जाता है, ठीक है, कलर पैलेट मैच कर जाता है, उसका मतलब ये था बोलने का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉल सीलिंग में एक डार्क ब्राउन है, उसके बाद क्रीम कलर है, फिर वहाँ पे भी क्रीम कलर है, दीवारों को तो खैर लकड़ी लगा के वो कर दिया है। तो ये कलर पैलेट है यहाँ का, यहाँ का जो कलर पैलेट है वो ब्राउन का शेड है, थीम है ब्राउन का, तो कलर के पैलेट में मैच होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं कोई इमेज लगाता हूँ तो मैं डार्क पिंक कलर की इमेज नहीं लगा सकता, ठीक है, मैच नहीं करेगी पैलेट पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जैसे कि यहाँ पे जो लड़के बैठे हैं ब्राउन ब्राउन वो मिक्स हो रहे हैं कलर में, लेकिन वहाँ पे येलो पहन के बैठा वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पैलेट में वो डिफरेंट है बीच में, ठीक है। तो बाकी सारे मिक्स हो रहे हैं, एक बंदा थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो कलर पैलेट में फिक्स होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए वो। डायरेक्टरी वाले में जैसे जैसे उसने बनाया हुआ ना वैसे वैसे बनाना है, जो कोड लिखा है वैसे वैसे कोड लिखना है, ठीक है। चार पांच पेजेस हैं उसके टोटल, पिक्चर में ही दिखा रहा हूँ, पिक्चर में दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है भाई कि एक मूवी वेबसाइट बनानी है आपको, ठीक है, मूवी की वेबसाइट बना के उसका एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा, उसमें एक इमेजेस का फोल्डर होगा जिसमें लोगो होगा। अब ये लोगो ये बताया नहीं है, लोगो दिया नहीं है, ये लोगो आपको कहीं से डाउनलोड करके लगाना है कि लोगो होना चाहिए, कुछ इंटरनेट से उठा लो लोगो। उसके बाद मूवीज़ का एक फोल्डर है, उसके बाद सिनेमा का एक फोल्डर है, सिनेमा के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, फिर लिस्टिंग है और रिव्यूज़ है। लिस्टिंग क्या चीज़ होती है कि 10-12 मूवी की लिस्ट आ रही है उसमें, अब वो मूवी की लिस्ट बनाई नहीं है इसने, वो आपको बनानी है, ठीक है। मूवी की लिस्टिंग कैसी होती है दिखा देता हूँ, IMDB बेस्ट मूवी, IMDB एक मूवी की वेबसाइट है, मैं चला गया टॉप चार्ट मैंने ओपन कर लिया, ये होती है मूवी की लिस्टिंग, इस तरह की होती है, सही है। IMDB के मैं होम पे गया ना वहाँ पे भी ऐसा दिखा रहे होंगे, मैंने वैसे सर्च कर लिया मिसाल के तौर पे कि कोई बताओ एक्टर बताओ, टॉम, सही है, टॉम लिख के मैंने एंटर कर दिया, तो ये टॉम की मूवी सारी देखो लिस्टिंग आ गई, सही है। तो लिस्टिंग इस चीज़ को कहते हैं कि लिस्ट आ जाए, ठीक है। ये लिस्टिंग ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है, तो आप जैसे चाहें आप लिस्टिंग कर दें, ठीक है। अच्छा मूवी के अंदर दो फोल्डर है, सिनेमा और DVD, सिनेमा की मूवी अलग होती है, DVD की अलग होती है, ठीक है, अब तो नहीं होती, पहले शायद होती होगी। फिर उसके मूवी के ही लेवल पे एक म्यूज़िक का फोल्डर है, म्यूज़िक में भी लिस्टिंग है, यानी 10-12 म्यूज़िक की एक लिस्ट आ रही हो, उसकी छोटी छोटी फोटो आ रही हो हर एल्बम की, ठीक है, एल्बम जैसे आतिफ असलम दूरी की और उसकी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद थिएटर आ रहा हो, थिएटर क्या होता है कि भाई फ़लाँ जगह पे स्टेज शो को थिएटर कर रहे हो, तो थिएटर्स आ रहे हो कि भाई फ़लाँ नाम है इसका, उसकी इमेज हो, कोई पोस्टर छपता है सारे पोस्टर हो, साथ में कुछ टाइटल हो, ऐसे लिस्टिंग आ रही हो। असल में ये आपको ना एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना सिखा रहा है इस ऐप के अंदर, ठीक है, इस ऐप में और कुछ भी नहीं सिखा रहा, ये नहीं बोल रहा कि भाई लिस्टिंग आपकी ना ऐसा खूबसूरत सी होनी चाहिए कि ऐसे पेज पे ऐसे मूवी ऐसे खुल के नज़र आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये कह रहा है लिस्टिंग है, 10-12 मूवी के नाम हो गए वहाँ पे, इमेजेस के साथ लगा दो आप, लेकिन इतना मसला नहीं है, कुछ भी लगा दो, लेकिन पेजेस जितने पेजेस इसने बनाए हुए हैं ना इतने ही पेजेस होने चाहिए, और इन सारे पेजेस पे मैं किसी भी पेज से किसी भी पेज पे नेविगेट करके जा सकूँ, ठीक है। ये जब आप मैं अगली क्लास में जब आप मैं चेक करूँगा तो ये सारे पेजेस होने चाहिए एटलीस्ट,
पेज के ऊपर क्या बना हुआ है वो आपकी मर्जी है, जितना कुछ अच्छा से अच्छा बना दें आपकी मर्जी है। ये सारे पेजेस होने चाहिए और किसी पेज से भी खड़े होके मैं किसी भी पेज पे जा सकूं, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा अच्छा तो ये हमने पढ़ लिया भाई स्टॉक फोटोज, तो ऐसी फोटो लगानी जिस पे कॉपीराइट ना हो। स्टोरिंग फोटोज, स्टोरिंग इमेजेस ऑन योर साइट, कि भाई आपकी साइट में इमेजेस कहाँ पे होनी चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए आईएमजी का या इमेजेस का, उसमें सारी फोल्डर होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। मतलब पूरी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस पे अलग अलग इमेजेस लगी हैं, लेकिन स्टोर वो एक ही फोल्डर में होनी चाहिए इमेजेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ से उसका रेलेवेंट पाथ आप देंगे, मिसाल के तौर पे आप अगर रूट पे खड़े हुए हैं इंडेक्स के ऊपर और उसी लेवल पे इमेजेस बना हुए, तो आप क्या करेंगे डॉट स्लैश इमेज का नाम। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं तो आप क्या करेंगे दो दफ़ा डॉट, यार एक फोल्डर पीछे है इमेजेस, दो दफ़ा डॉट लगा के फिर स्लैश फिर इमेज का नाम, ठीक है। ये मूवी वाला जब आप काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूवी के अंदर भी जिस जिस पेज पे भी इमेज लगी हुई है इमेजेस के फोल्डर में वो सारी इमेजेस होनी चाहिए, लोगो जितने भी पोस्टर है मूवी के सब उसमें होनी चाहिए। तो ऐसे इमेजेस के अंदर रखना है भाई आपको जो भी रखना है। एडिंग इमेज, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ क्या है, वॉट इज वॉट, सही है। आई एम जी का टैग है सबसे पहले, आई एम जी के टैग के बाद इसका सोर्स है एस आर सी, एस आर सी के अंदर क्या है जो भी इमेज है उसका नाम। अच्छा जाहिर है अब मैं इमेजेस के फोल्डर में चूंकि मैंने रखा है तो मुझे फोल्डर का पहले नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्वाक्का लिखना पड़ेगा। अभी एक कोई नस्ल है चूहों की इसको क्वाक्का बोलते होंगे, ठीक है, तो वो नाम लिख दिया। उसके बाद एक लिखा हुआ है ए आई टी आल्ट, ये क्या चीज़ है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर ये किसी भी वजह से इमेज लोड नहीं हो पाई, मिसाल के तौर पर जिस ब्राउज़र में आपने खोला है उस ब्राउज़र में जे पी जी फॉर्मेट ही नहीं समझता हो, ठीक है, वो ब्राउज़र तो इमेज जाहिर है लोड नहीं हो पाई, या आपका इंटरनेट एन मौके पे बंद हो गया, कोई भी वजह हुई, या स्क्रीन रीडर आया, स्क्रीन रीडर जाहिर है इमेज देख तो नहीं सकता बंदा, वो तो पढ़ के सुनाएगा, तो पढ़ेगा क्या, ये पढ़ेगा, ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट को पढ़ेगा वो। फिर टाइटल है उसका एक, ठीक है, द क्वाक्का इज ऑस्ट्रेलियन, और पता नहीं उसके आगे क्या बात लिखी है इसमें। अच्छा अब देख लेते हैं कि भाई टाइटल क्या चीज़ होता है। छोटा जो भाई छोटा हो गया। अच्छा टाइटल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है उन्होंने, यू कैन ऑल्सो यूज टाइटल एट्रीब्यूट विद आई एम जी एलिमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज, मोस्ट ब्राउजर विल डिस्प्ले द कॉन्टेंट ऑफ दिस एट्रीब्यूट एज अ टूल टिप व्हेन यूजर हवर ऑन द इमेज, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर माउस को थोड़ी देर रखेंगे ना होवर करके, तो टाइटल में जो बात लिखी हुई है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। इमेज में और कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, अब इमेज के बाद क्या है, हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज। जाहिर है इमेज जब आप लगाएंगे तो आपको उसको एक खास चौड़ाई या लंबाई देनी पड़ेगी। अच्छा कौन मुझे ये बताएगा कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसका हाइट और विड्थ क्या होती है, कौन बताएगा? आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी हाइट और विड्थ क्या होती है? 1920, हाँ 1920 ऐसे और 1080 ऐसे। अच्छा सही बताया, और कोई बताना चाहेगा? लेकिन कुछ आधी बात बताइए, पूरी नहीं बताइए। हाँ पिक्सल, ये भी लेकिन अभी भी आधा है ये। कोई इसको मजीद इसमें ऐड करना चाहेगा? जी सर, नहीं व्यू पोर्ट हाइट तो, लेकिन कितनी होगी हाइट, हमारे कंप्यूटर की हाइट और विड्थ कितनी होती है? इन्होंने कहा कि भाई ऐसे जो है वो 1920 और ऐसे वो 1080 पिक्सल है दोनों। मैं एक असल में बात सुनना चाह रहा हूँ, कोई भी प्लीज आपके जहन में जो भी आ रहा है कि हाइट और विड्थ क्या है मेरे कंप्यूटर की असल में। सर,
डिवाइस का साइज क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इस डिवाइस का साइज और इस डिवाइस का अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, तो यही वाली वो बात है कि आम तौर पे तो यही होता है कि 1080p की स्क्रीन होती है, ठीक है, आम तौर पे ही होता है ज़्यादातर डिवाइसेस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डिवाइस में 1080p का साइज़ हो। डिवाइस के रेजोल्यूशन को चेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं अपने PC में जाऊँ और मैं इसका जो रेजोल्यूशन चेंज करना चाहूँ, ठीक है, डिस्प्लेज में गया मैं और मैंने कहा स्केल, तो देखिए अलग अलग साइज आ रहे हैं मेरे पास। मेरे पास जो है वो 1024 भी आ रहा है, ठीक है, मेरे पास 1280 भी आ रहा है, मेरे पास 1440 भी आ रहा है और मेरे पास 1680 भी आ रहा है, ठीक है, 1920 नहीं है मेरे पास, 1680 तक का साइज। तो ये इन सारे साइज़ों में से कोई सा भी साइज़ मेरे पास हो सकता है।